आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज फिर एक बार अपना बेस कीमती समय दिया और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ ही जाता है। टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनमें कि प्रॉब्लम देखो दोस्त आ ही जाती है। और मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में एक बात बोल रहा था जो आपको क्लियर नहीं आ रही थी आवाज़, उसमें मैं ये बोल रहा था कि हम लोगों ये पिछले 7 दिन से इस हम मुहिम पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं पिछले 7 दिन से। तो 7 दिन का मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। एक बार आज 7वां दिन है हम लोगों को। 7 दिन पहले मैं जब ये कोरोना का प्रकोप आया था, महामारी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, तो जैसे 20 तारीख के आसपास लॉकडाउन हुआ था, तो उसके 3 से 4 दिन बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया सेशन। तो मुझे ना, मैं पूरे दिन न्यूज़ देखता रहता था, पूरे दिन न्यूज़, तो माइंड में ना नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आने लगे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ गए थे। और बॉडी भी हमेशा ऐसा लगती थी कि जैसे कि मुझे भी कुछ ना कुछ बीमारी सी हो रही, सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं, लग रहा था कि कुछ ना कुछ बीमारी मुझे भी हो रहा है। मुझे बुखार सा लग रहा था, खांसी, हल्का हल्का जुकाम लग रहा था। लेकिन जब से ही हमने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया और अपने आप को इसमें बिजी रखना स्टार्ट कर दिया, तो वो पता नहीं बुक फीवर कहाँ गया, जुकाम कहाँ गया, खांसी कहाँ गई, वो गायब हो गया तुरंत। तो दोस्त, मैं इस बात से एक बात को मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि या तो हमारी बॉडी हमारे माइंड के द्वारा काम करेगी, या हमारे द्वारा हमारा माइंड काम करेगा, या हम माइंड के द्वारा काम करेंगे या हमारे द्वारा हमारा माइंड काम करेगा। देखिए, या तो हम अपने माइंड को अपना नौकर बना सकते हैं, या हम अपने माइंड को अपना मालिक बना सकते हैं। अगर हम अपने माइंड को अपना नौकर बनाते हैं तो यहाँ से सब कुछ हो सकता है। अगर हमारा माइंड हमारा मालिक बन गया तो जो हमारा माइंड बोलेगा वो हम करेंगे। हमें करना क्या चाहिए, हमें इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से अपने अंदर विचार लेके आने चाहिए कि हमारा माइंड हमारे तरीके से काम करे। तो हम लोगों ने बिजी रहना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत बड़ा काम हो गया। आज हम पिछले 7 दिन से लगातार बात कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से एक चीज और बोलना चाहता हूँ आज कि जब हम ऑनलाइन वीडियो पे चलते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। नेगेटिव कमेंट्स का मतलब कोई गलत कमेंट्स नहीं आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स का मतलब ये होता है कि मैं आपको चीज बता देता हूँ। यूट्यूब में 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा वीडियो अपलोड होती है। यूट्यूब में एक दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा वीडियो अपलोड होती है और ये लाइव चलता है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। ये इंडिया में नहीं, कि आउट ऑफ इंडिया भी चल रहा होगा, आउट ऑफ इंडिया भी लोग इस चैनल को भी देख रहे होंगे, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। तो कोई भी आदमी कुछ भी लिख सकता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। आप कभी भी आप न्यूज चैनल को देखेंगे, वहां पे कोई आदमी नीचे कुछ लिखता रहता है, ठीक है, आप कुछ भी देखेंगे तो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। कुछ फेक आईडी होती है, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जितनी भी आईडी होती है ना, फेक आईडी होती है, आप उन पे ध्यान ना लगाएं। आप जब भी आप लाइव वीडियो कुछ भी सुन रहे हैं, आप 3 चीजों पर ध्यान दें। पहली बात, आप जब वीडियो सुनते हैं तो यहाँ पर एक लाइक कमेंट लाइक पॉइंट आता है, आप उसको लाइक करते रहें, ये बहुत अच्छा है। आप उसको लाइक करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप उससे कुछ ना कुछ आप लोगों के माइंड में रहेगा। और दूसरा, आप एक काम और करें, आप बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, अभी देखिए 1100 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 1100 लोग अभी 1200 लोग हो चुके हैं। और 1200 लोग ऐसे हैं कि आप मेरे से आप डेली पूछते हो कि सर आप लिंक भेज दीजिए, आप लिंक भेज दीजिए, ट्रेनिंग का लिंक भेज दीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप लोग इस पेज को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल का एक ऑप्शन होता है सामने, आप उसको क्लिक कर दोगे, तो दोस्त मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आपको है ना लिंक की जरूरत ही नहीं लगेगी और लिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे माध्यम से कोई भी वीडियो जब डाली जाएगी ना, तो सबसे पहले उसके पास पहुंचेगी जिसने वो बेल प्रेस जो है वो क्लिक किया हुआ है, जो बेल जो होता है वो क्लिक किया हुआ है। इस तरह से आप सब्सक्राइब करिए और उसको आप लाइक करते रहिए, और उसको आप अपनी टीम में देखिए कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने अपना बेस कीमती समय दिया, आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। 7 दिन पहले हम लोगों ने जैसे कि इस चैनल को स्टार्ट किया, 7 दिन पहले, मुझे आज भी याद है कि ज्यादा लोग नहीं थे हमारे चैनल पे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सुबह इस चैनल को देख रहा था तो 5000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सब आप लोगों की मेहनत के अनुसार हुआ है, आप लोगों के डेली वर्क करने की वजह से हुआ है। और दोस्तों, आज हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन पॉइंटों पे बात करेंगे तो हम बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, क्योंकि हम चाहे कितना भी सीख लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर हम ये बेसिक काम नहीं करेंगे
तो हमारी जिंदगी में जो परिवर्तन हमें आने चाहिए वो उतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे जितनी जल्दी आने चाहिए। तो दोस्त, आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना, आज कोई मोटिवेशन में बात नहीं होगी, आज कैलकुलेटिव बात होगी और मैं बहुत प्यार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट है, लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्त, एक बात को आप समझिए, हमारे यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो हमारे अपलाइनों के माध्यम से, आपके अपलाइनों के माध्यम से उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के अंदर नाम होता है 8 स्टेप। वो ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उस ट्रेनिंग के अंदर 8 पॉइंट होते हैं हमारे पास, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम, जो कि हम कुछ दिन पहले हम लोग ड्रीम पे बात कर चुके हैं। ड्रीम क्यों बनाना चाहिए, ड्रीम कैसे होने चाहिए, वो हम बात कर चुके हैं। आज हम दोस्त बात करने वाले हैं 8 स्टेप का दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, लिस्ट बनाते समय हम क्या गलती ना करें, तो दोस्त उस पर मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूँ। तो आप लोग अपनी डायरी पेन के साथ तैयार हैं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, मैं यही आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों के पास डायरी पेन भी होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठे होंगे। चलिए, आज 1400 लोगों के साथ आज हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने पहले दिन स्टार्ट किया तो आई थिंक 350 लोग थे और अभी 7वां दिन चल रहा है तो 1400 लोग अभी हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़ चुके हैं और देखिए कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं यार। तो दोस्त, जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, हम लोग फेल क्यों होते हैं, हम लोग पास क्यों होते हैं। हम लोग फेल इसलिए होते हैं, हमारे पास जो लिस्ट होती है वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। लिस्ट दिमाग में होने से काम नहीं चलेगा, लिस्ट डायरी में होगी तो काम चलेगा। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं, उनका अपलाइन उनसे बोलता है कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। लोग बोलते हैं सर हमने लिस्ट बना ली है, अपलाइन बोलता है लिस्ट कहां पर बनाई हुई है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि सर लिस्ट मेरे दिमाग में है, सर लिस्ट मेरे मोबाइल में है। दोस्त, जब तक लिस्ट डायरी में नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लिस्ट आपकी आपकी डायरी में होनी चाहिए, दिमाग में लिस्ट होने से काम नहीं चलेगा, लिस्ट अगर आपकी डायरी में होगी तो काम होगा ही होगा। लिस्ट बनाते समय आप किन चीजों पे काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा पॉइंट आप जो आपको बताने वाला हूं, हो सकता है ये पॉइंट आपको कहीं से मालूम आज तक नहीं चला होगा। लिस्ट बनाते समय आप एक चीज का नाम नोट करें, आप एक पॉइंट लिखें, आप अपनी सारी डायरी में लिखिए फ्रेंड्स, लिखिए फ्रेंड्स, FRIENDS अपनी डायरी में लिखिए, FRIENDS फ्रेंड्स, ये आप लिखिए। जब भी आप लिस्ट बनाते हैं आप किन पॉइंटों पर आप लिस्ट बनाएं, सबसे पहले F for friend आपको लिस्ट बनानी है अपने फ्रेंड की। आप के पास एक डायरी होगी, हमारी कंपनी में लिस्ट बुक मिलती है, लिस्ट बुक में आप नाम ऐड करेंगे तो उन नाम में आप सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप उन सब लोगों का नाम लिखिए, जितने भी फ्रेंड हैं आपके। और फ्रेंड कौन कौन से हैं, जो आपके साथ खेलते थे, आपके साथ बचपन में थे, आपके साथ बचपन में कंचे खेले होंगे, आपके साथ बचपन में वो गांव के तालाब में नहाए होंगे, आपके साथ वो बचपन में मेला देखने गए होंगे, आपके साथ वो कुश्ती करते होंगे, कबड्डी खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, आप उन लोगों के नाम ऐड करिए, उन दोस्तों का नाम आप ऐड करिए। आपके क्लोज फ्रेंड होंगे 5-10, हर लड़की के कुछ फ्रेंड होते हैं, अपने जो क्लोज फ्रेंड होते हैं आप उनके नाम लिखिए, जो भी हैं आपके, 5 हैं 10 हैं 15 हैं 20 हैं, आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप सारे फ्रेंडों के नाम डायरी में अपनी में लिखिए, सबका नाम आप लिखिए। हमारे साथ में दोस्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है कि हम लोगों के दिमाग में रहता है कि यार मेरे फ्रेंड है ना, मेरे फ्रेंड 4 हैं, उन 4ों का नाम मेरे दिमाग में रहता है, और जब प्लान दिखाने की बारी आती है तो वो दिमाग में से निकल जाते हैं। अगर वो हमारी डायरी में रहेंगे तो जब भी हम अपनी डायरी खोलेंगे तो उनके सबके नाम हमारे सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, F for friend, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के आप नाम लिखिए, नाम पहला उनका नाम लिखिए, दूसरा उनकी एज भी लिखिए, और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा आज मैं आपको लिस्ट के
बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले आप फ्रेंड के नाम लिखिए। फ्रेंड का नाम लिखते समय एक गलती बिल्कुल भी ना करें। हम लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं। हम ये गलती करते हैं, जैसे मानकर चलो हमने नाम लिखा, हम नाम लिख रहे, किसी का नाम रिंकू है, मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम मान के चलते रिंकू है। तो रिंकू का जब हम नाम लिखेंगे ना, हमारे दिमाग में आएगा रिंकू। जैसे हम रिंकू लिखने लगेंगे, हमारे दिमाग में दूसरा विचार आएगा, अरे रिंकू इस काम को नहीं करेगा, तो हमने रिंकू का नाम नहीं लिखा। फिर हमारे दिमाग में नाम आया टिंकू, तो हम जैसे टिंकू का नाम लिखना स्टार्ट हुए, फिर हमारे दिमाग में आया टिंकू तो नहीं करेगा, तो बिल्कुल नालायक है यार। फिर हमारे दिमाग में नाम आया सोनू, तो हम सोनू का नाम जैसे ही लिखना स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमारे दिमाग में बात आएगी यार ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसका तो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, इसका नाम भी नहीं लिखते। फिर हमारे दिमाग में नाम आता है मोनू, लिखते हैं, और जैसे ही हम मोनू लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार आता है यार मोनू बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पापा मना कर देगा। कहने का मतलब ये है, जब भी हम अपने दोस्तों का नाम लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि यार ये दोस्त मेरा नहीं करेगा। हम वहां पर भगवान बन जाते हैं कि ये नहीं करेगा। हमारे दोस्त, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जिससे कि हम ये चेक कर लें कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारे पास कोई थर्मामीटर होता कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, तो दोस्त 10 प्लान दिखाने में 100 SP या 200 SP नहीं आते। हम पागल नहीं है जो 100 SP 10 प्लान दिखाएं फिर 100 SP 200 SP निकालें। हमारे पास अगर कोई थर्मामीटर ऐसा होता, हम आदमी के लगाते, अगर उसके हमारा थर्मामीटर बोलता ओके तो हम उसको प्लान दिखाते, हमारा थर्मामीटर होता नो तो हम उसको प्लान नहीं दिखाते। हम क्यों टाइम खराब करते अपना, 10 लोगों को प्लान दिखाते, 2 लोग हमारे साथ आते। तो दोस्त आज के बाद थर्मामीटर ना लगाएं, आज के बाद भगवान ना बने, प्री गैस ना करें लोगों को कि ये करेगा नहीं करेगा, ये कर सकता है नहीं कर सकता है, ये तो ऐसा है ये तो वैसा है। हमारा तो काम क्या है, हमारा काम सिर्फ एक है, हमारा काम है लोगों के नाम लिखना। हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम लिखना। हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, आप याद करिए, आज आप अपनी मेमोरी, आप अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए, जब आपने जन्म लिया है, जन्म से लेकर आज तक जितने भी आपके दोस्त बने हैं, उन सभी दोस्तों के नाम आज आप अपनी डायरी में लिखिए, सारे लोगों के नाम, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी दोस्तों से आपकी दोस्ती खराब हो चुकी है उनके भी नाम लिखिए। हम लोग बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के सभी से रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उनका भी आप नाम लिखिए। जितने भी दोस्त हैं आपके, बचपन में आपके साथ क्रिकेट खेलते थे, आपके साथ तालाब में नहाते थे, आपके साथ जो भी, मैं कह रहा हूँ जो भी उल्टे सीधे काम वो आप दोस्त करते थे, उन सभी दोस्तों के नाम आप अपनी डायरी में लिखिए। सबसे पहला काम फ्रेंड के नाम लिखिए। प्री गेस मत करिए, भगवान मत बनिए कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, इसका पापा मना करेगा, इसकी मम्मी मना करेगी, इसका ताऊ मना करेगा, इसका चाचा मना करेगा, नहीं। आपका काम है लिस्ट बनाना, उसके बाद क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोग एक ही काम करें, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबके आप नाम लिखिए, पहला काम। दूसरा काम, फ्रेंड में जो अगला नंबर आता है वो होता है आर, एफ के बाद आता है आर, आर फॉर रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव। रिलेटिव कौन होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आप फ्रेंड और रिलेटिव, ये दो नाम ऐसे होते हैं जिनसे बहुत बड़ा हमारा बिजनेस होता है, ये हमारी हॉट लिस्ट होती है, ये हमारी हॉट लिस्ट है, इनसे बहुत बड़ा बिजनेस हमारा होता है। तो ध्यान दें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, रिलेटिव में कौन आते हैं, हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे जीजा, हमारे साले, हमारे बुआ, हमारे फूफा, ठीक है, हमारा भाई, हमारी सिस्टर, ये जितने भी लोग आते हैं हमारे रिलेटिव में आते हैं, चाचा का साला, मामा का साला, ठीक है, और साले का जीजा, ऐसे जितने भी नाम आते हैं, जितने भी रिलेटिव होते हैं, आप उन सबके नाम अपनी डायरी में लिखिए, सबके रिलेटिव के नाम, जितने भी आपके रिलेटिव हैं उन सभी रिलेटिव के नाम आप लिखिए। आपको याद नहीं है कि आपके रिलेटिव कौन कौन है, आप अपने पापा के साथ बैठिए, अपनी मम्मी के साथ बैठिए, अपने भाई के साथ बैठिए, अपनी बहन के साथ बैठिए, और जब आप बैठते हैं तो उन लोगों के साथ बैठ के जितने भी रिलेटिव हैं सब लोगों के नाम आप लिखिए, सबके नाम, एक भी रिलेटिव का नाम छूट ना जाए, एक का भी नाम नहीं, सारे रिलेटिव के नाम हमारे पास आ जाने चाहिए जितने भी हैं, एक भी नाम हमारा छूटना नहीं चाहिए। रिलेटिव के नाम लिखते समय में भी वही चीज का ध्यान दें,
जो हम गलती करते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हमने अपने ताऊ का नाम लिखा। ताऊ का नाम जैसे ही हम लिखना स्टार्ट करते थे, हमारे दिमाग में आ जाता है ताऊ, ताऊ तो वैसे गुड़गोबर है यार, ताऊ में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, ताऊ नहीं कर पाएगा इस काम को। हमने जैसे ही चाचा का नाम लिखा, अरे चाचा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं चाचा, हम उसका भी नाम नहीं लिखते। हमारा ताऊ है, हमारा चाचा है, हमारा मामा है, हमारा फूफा है, हमारा कोई भी है, हमारा काम है उसका नाम अपनी डायरी में लिखना। ज्वाइन करे नहीं करे वो बात है बाद की, पहले हम बना रहे हैं लिस्ट। लिस्ट बनाते समय जितने भी हमारे फ्रेंड हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, सब रिलेटिव का नाम आप लिखिए, सबका नाम लिखिए जितने भी हैं, एक का भी नाम छूट ना जाए। हमारे साथ में बहुत बड़ी गलती क्या है, मैं आपको चीज बता दूं, जितने भी लोग बोलते हैं सर हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास लिस्ट नहीं है, दोस्त इस दुनिया में लिस्ट सभी के पास है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है लिस्ट बनाते समय हम भगवान बन जाते हैं, वो करेगा वो नहीं करेगा, उसको ये प्रॉब्लम है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो नहीं कर पाएगा, वो उससे तो मेरे तालमेल खराब है, मैं उसके घर कैसे जाऊंगा, वो तो घर पे नहीं मिलेगा। अरे यार ये बातें ना ये बाद की हैं, ये पॉइंट बाद के हैं। पहले जो पॉइंट है ना जिस पर हम बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिर्फ लिस्ट बनाना, हमारा काम है फ्रेंड के नाम लिखने, हमारा काम है रिलेटिव के नाम लिखने, हमारा काम अभी प्रीगेस करना नहीं, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, अरे वो करेगा नहीं करेगा वो काम है हमारा बाद का, वो बाद की बात है। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है लिस्ट बनाना, और जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता हम लोगों को मिलेगी। दूसरा, अब आता है तीसरा पॉइंट, एफ फ्रेंड आर रिलेटिव, उसके बाद आई, आई फॉर इंस्टीट्यूट कॉलेज, जहां से भी आपने कोई भी एजुकेशन ली है, जिस भी आप इंस्टीट्यूट में गए हैं, आप कॉलेज में गए हैं, जहां स्कूल में आप गए हैं, आपने जहां से भी कोई भी एजुकेशन ली है, उसमें जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आए हैं, स्कूल का चपरासी का भी नाम लिखिए, स्कूल के अंदर जो झाड़ू लगा था उसका भी आप नाम लिखिए, स्कूल के अंदर जो टीचर थे उनका भी आप नाम लिखिए, स्कूल के अंदर जितनी भी लड़कियां थी जिसके भी नाम आपको याद है, जिसके भी कॉन्टेक्ट नंबर उनके नाम लिखिए, स्कूल में जिस स्कूल में लड़के थे कॉलेज में जितने भी लड़के थे सबके नाम आप लिखिए, सबका कॉन्टेक्ट नंबर आप लिखिए, सबका, एक भी छूट ना जाए, एक भी छूट ना जाए। मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ जो आज तक हमने कभी ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं बता पाए, क्योंकि ये बात होती है आराम से बताने की, और आज मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। सीधा सीधा बात है, एफ फॉर फ्रेंड के नाम लिखिए, आर फॉर रिलेटिव के नाम लिखिए, आई फॉर स्टूडेंट, जहाँ भी आपने कोई भी एजुकेशन ली है, आप वहाँ पर जितने भी लोगों के कॉन्टेक्ट में आए हैं उन लोगों के नाम आप अपनी डायरी में लिखिए, सबके नाम, करेगा नहीं करेगा, घर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात है बाद की, पहले काम है नाम लिखना। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है ई, ई फॉर एम्प्लॉय। आपने जहां भी जॉब करी है, आप जहां भी जॉब करते हैं, जितने भी लोग वहां पर जॉब करते थे सबके नाम लिखिए, करेगा या नहीं करेगा बात है बात की। वहां पर कोई आदमी 5,000 सैलरी ले रहा है, वहां का पियोन है, उसका भी नाम लिखिए, जो भी है वहां पर जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका नाम आप लिखिए, जितने भी हैं, एक भी मिस ना हो जाए। कोई वहां पर 10,000 सैलरी ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई लाख ले रहा है, तो कोई 10,00,000 ले रहा है, वहां जितने भी लोग जिस भी सैलरी पे हैं आप सबके नाम आप लिखिए। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, भगवान मत बनिए, प्रीगेस मत करिए लोगों को कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। दोस्त मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो बात है बाद की कि ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अभी बात क्या चल रही है, अभी हम बना रहे हैं अपनी लिस्ट। लिस्ट बनाते समय इन बातों का आप ध्यान दें कि आप किनका नाम आप लिख रहे हैं, एक भी व्यक्ति छूट ना जाए। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। 1700 लोगों से मैं बात कर रहा हूं, 1700 लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, लिस्ट बनाते समय भगवान ना बने,
लिस्ट बनाते समय ये ध्यान बिल्कुल भी ना रखें कि ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान भी रखना है कुछ बातों को, लेकिन मैं वो बातें आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद एन नेवर्स आपके पड़ोसी, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सबका नाम लिखिए। पड़ोसी में रामू रहता है, रामू का नाम लिखिए। श्याम रहता है, श्याम का नाम लिखिए। राम रहता है, राम का नाम लिखिए। जो भी नाम है, जो भी है पड़ोसी, जितने भी आपके पड़ोसी हैं, आप सारे पड़ोसी का नाम आप लिखिए। आपका पड़ोसी है नहीं, आपको लगता नहीं ज्वाइन करेगा तो भी लिखिए। दो घर छोड़ के जो पड़ोसी आपको लगता है बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा तो भी नाम लिखिए। चार घर छोड़ के जो भी है उसका भी नाम लिखिए। एक भी पड़ोसी छूट ना जाए, सारे पड़ोसियों के नाम लिखिए, सबके नाम लिखिए। अभी बाद में आपको फिर बोल रहा हूं, ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा वो बात है बाद की। अभी काम क्या है हमारा, अभी काम है हमारा लिस्ट बनाना। तो लिस्ट बनाते समय ये मत देखिए आप ये पड़ोसी ज्वाइन करेगा, अरे ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये नालायक है, ये लायक है, अरे वो बात है बाद की। सारे पड़ोसियों का नाम लिखिए। उसके बाद D4 डॉक्टर। आज तक जब भी आपको सर दर्द हुआ है आपने किस डॉक्टर से दवाई ली है उसका नाम लिखिए। जब भी आप किसी डॉक्टर के बुखार के दवाई लेने गए उसका नाम लिखिए। आप किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए उसका भी आप नाम लिखिए। कहने का मतलब ये है, आपके फैमिली मेंबर में जितने भी डॉक्टर कांटेक्ट में आज तक आए, आपके फैमिली मेंबर जितने भी डॉक्टरों से आज तक मिले हैं उन सब का भी आप नाम लिखिए। एक भी डॉक्टर छूट ना जाए, डीफू डॉक्टर, एक भी डॉक्टर छूटना ना जाए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं। जहां जहां भी आपने आज तक दवाई लिए, जहां जहां भी आप डॉक्टरों से मिले हो उन सबका नाम अपनी डायरी में लिखिए। और लास्ट में एक पॉइंट आता है दोस्त, एस फ्रेंड्स का लास्ट में पॉइंट आता है, एस फॉर स्ट्रेंजर्स आपके अजनबी लोग। अजनबी कौन होते हैं? जितने भी आज तक आपके अननोन पर्सन, मतलब आपको कभी कभी मिले हो, कभी कभी आप रोड पे निकल रहे हो और रोड पे सामने से एक व्यक्ति आया, अनजान आदमी है वो, कभी कभी मुलाकात होती है, उसका भी नाम अपनी डायरी में लिखिए। कभी कभी मिलने वाले लोगों को अजनबी बोलते हैं, अजनबी, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई काम नहीं पड़ता उन लोगों से कभी भी हमारा, उनका हमसे कोई काम नहीं, हमारा उनसे कोई काम नहीं, वो लोग अजनबी कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्त उनके भी नाम लिखिए। आज मैंने आपको बताया है ये फ्रेंड्स के जो फुल फॉर्म है इस पे आप काम करिए। इन सारे लोगों का आप नाम अपनी डायरी में लिखिए। एक भी व्यक्ति का नाम छूट ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनका नाम बिल्कुल भी छूट ना जाए, याद रखें। दूसरा, और किन बातों का ध्यान रखें, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं एक चीज का नाम आप याद रखें, MAN। आपने इन सारे लोगों के नाम लिख लिए, इन सारे लोगों के नाम लिखने मतलब आपने नाम लिख लिए, लगभग 100-150 नाम हो गए होंगे, 100 से ज्यादा नाम आपने लोगों ने लिख लिए होंगे, पक्का गारंटी है। अगर आप इतने सारे लोगों को जोड़ोगे तो 100-150 लोग आपके नाम ऑटोमेटिक आपकी डायरी में लिख गए होंगे। और ये नाम लिखने के बाद आप इन तीन चीजों में, अब आप पॉइंट पर बात करें, MAN, M फॉर मनी। अब जितने भी आपने लिस्ट बनाई है M से बात करिए, आप ये चेक करिए इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो महीने का 15,000 से ज्यादा कमाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा कमाते हैं, 10,000 से ज्यादा हम बात कर लेते हैं, इनमें कितने ऐसे लोग हैं जो 10,000 से ज्यादा कमाते हैं। जितने भी लोग आपको लगते हैं 10,000 से ज्यादा कमाते हैं उन पर टिक करिए, सारे लोगों पर। जो इनमें से 10,000 से नीचे करते हैं उन पर खत्म करिए उनको, वो हमारे किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं होगा उन पर, टाइम खराब करना है वहां पर। जब 10,000 से ज्यादा लोग कमाते हैं उन पर टिक करिए, सारे लोगों पर। और आप देखेंगे अगर आपने 150 लोगों की लिस्ट बनाई होगी तो इनमें से 140 ऐसे नाम होंगे जो यस में आएंगे, क्योंकि आज की डेट में 10,000 कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हर आदमी 10,000 रुपये कमाता है, हर आदमी 15,000 रुपये कमाता है, हर आदमी 20 नाम कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है। तो आपने M से कैलकुलेट किया, M फॉर मनी, आप ये देखिए, चेक करिए अपने आपको, ठीक है। उसके बाद A, A, A से देखिए, M फॉर मनी से देखिए, A फॉर अथॉरिटी। उसके पास
अपने आप को ज्वाइन कराने के लिए दम रखता हो। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं होती है, उनके ऊपर उनको ऐसा लगता है यार मैंने प्लान देखा, मैं फैमिली को जाके बताऊंगा, फैमिली वाले यस बोलेंगे तो ठीक है करूंगा, फैमिली वाले बोलेंगे नो तो नो, मतलब वो डिपेंड होते हैं, डिपेंड। ऐसे लोगों को आप इसमें से जो आपके 140 लोग बचे हैं, लगभग 140 लोगों में से आप दो लोगों को चेक करिए कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम प्लान दिखाएंगे वो ये बोलेंगे अपनी फैमिली से जाके पूछूंगा, अपनी फैमिली में बात करूंगा, इनको कट नहीं करना है अभी, चेक करिए। करने का मतलब डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, अपने फैमिली में, अपने पापा पे, मम्मी पे, भाई पे, बहन में, जो किसी और पे डिपेंड है। कोई बहुत सारे लोग अपनी बीवी पे भी डिपेंड होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बीवी पे डिपेंड होते हैं, बीवी बोलेगी तो बिजनेस करूंगा, बीवी बोलेगी तो बिजनेस नहीं करूंगा। चेक करिए कि आपके कॉन्टेक्ट में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में, आपके पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पापा के ऊपर डिपेंड हैं, जो अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड हैं, जो अपनी बीवी के ऊपर डिपेंड हैं। ऐसे लोगों के नाम के सामने लिख दीजिए डिपेंड है। इनको अथॉरिटी नहीं है कुछ ज्वाइन करने की, इनके ऊपर कोई बैठा है जो इनको कमांड देता है। आप उन अब नाम के सामने जो आपने डिपेंड लिख दिए उन, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है उनके साथ क्या करना है। इंडिपेंडेंट लोगों को जब आप प्लान दिखाने जाएंगे वो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, और डिपेंड लोगों को जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो उनके जिस पे वो डिपेंड हैं उसको साथ बैठाइए। बात को आप समझ गए होंगे। आपने लिस्ट में अपनी में नाम लिखे जो डिपेंड है, जिनको अथॉरिटी नहीं है ज्वाइन करने की, उनको अथॉरिटी कोई और देता है कि कमांड उन्होंने किसी और ने दी कमांड आप ज्वाइन करिए तो ज्वाइन करेगा। उसको कितना भी समझ में बिजनेस आ रहा हो, वो कितना भी करना चाह रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको कमांड कोई और दे रहा है। मतलब एक जेंट्स को आपने प्लान दिखाया, प्लान उसको अच्छा लगा, प्लान उसको समझ में आ गया, और वो उसने बोला ठीक है कल पूछ के बताऊंगा, कल सोच के बताऊंगा। वो पता सोच के क्या बता, सोच के कुछ नहीं बताते यार। 10-12 हजार रुपए देने के बाद महीने का 15-20 लाख रुपए आता हो, 10-12 हजार रुपए देने के बाद 2-3 साल में आदमी करोड़पति बन जाए तो आदमी करना नहीं चाहेगा क्या? हर आदमी करेगा, लेकिन वो पूछ के बताता है, वो सलाह लेके बताता है। वो किससे सलाह लेता है? एक जेंट्स किसकी से सलाह ले सकता है? अपने पापा से, अपनी मम्मी से, शादी होगी तो अपनी बीवी से। कुछ मैडम ऐसी होती है जो हस्बैंड के साथ बोलते हैं ठीक है जी आप ज्वाइन करिए कोई दिक्कत नहीं हम आपके साथ हैं। एक मैडम ऐसी होती है नहीं ज्वाइन नहीं करना है, और वो बीवी का इतना तगड़ा गुलाम होता है मना ही कर देता नहीं जी आज के बाद नहीं करेंगे, चाहे साला बिना घी की रोटी खाने पड़ जाए लेकिन बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। होते हैं बहुत सारे गुलाम, आपको मैं दिखा दूंगा, जिन्होंने बीवी के कहने से अपना करियर खराब कर लिया। गुलाम कैटेगरी में लोग आते हैं। तो इनका भी लिखिए आप डिपेंड। डिपेंड कहने का मेरा मकसद क्या है, 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है, 18 साल जिसकी उम्र हो चुकी है, 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप 18 साल के हो चुके हैं, ये आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये आपको वोटर आईडी कार्ड मिल चुका है, अब आप इंडिपेंडेंट हो। अब आप पापा के कहने से नहीं, मम्मी के कहने से नहीं, भाई के कहने से नहीं, बहन के कहने से नहीं, पड़ोसी के कहने से नहीं, रिश्तेदार के कहने से नहीं, दोस्तों के कहने से नहीं, अब आप अपनी मर्जी का खुद वोट डाल सकते हो, खुद वोट अपनी मर्जी का। 18 साल प्लस का मतलब ये होता है आदमी इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन हमारे इसी देश के अंदर आज भी लोग इंडिपेंडेंट कम है, डिपेंड जाता है, और जितने भी लोग डिपेंड है ना इन्होंने अपना करियर खराब कर लिया है। करियर खराब इन लोगों का, ये गुलाम है। देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन ये आजाद आज भी नहीं है। कुछ लोग पापा के गुलाम है, कुछ मम्मी के गुलाम है, कुछ बीबी के गुलाम है। इन गुलामों का कुछ होने वाला नहीं है, ये अपने भविष्य का खुद डिसीजन नहीं ले पाते। और 18 साल से आप ऊपर होना दो, अपने जीवन का खुद डिसीजन लिया करो। अरे अपने जीवन का आपने एक बार डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद मैं ये कह रहा हूं पास नहीं हुए, डिसीजन लेने के बाद अगर आप फेल भी हो गए ना, फेल भी हो गए तो कम से कम दिल में ये तो नहीं रहेगा ना यार मैंने डिसीजन नहीं लिया। एक बार अपनी मर्जी से एक बार डिसीजन तो लेके देखो दोस्त, एक बार तो अपनी मर्जी से डिसीजन लो एक बार। 1800 से ज्यादा लोग इस बात को सुन रहे हैं, अपनी मर्जी का खुद डिसीजन लो एक बार आप। अरे मैं कह रहा हूं फेल हो जाना उस डिसीजन को लेने के बाद, लेकिन कम से कम दिल में ये तो नहीं रहेगा ना अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं डिसीजन ले लेता तो क्या होता, एक बार लेके देखिए आप। अरे ठीक है थोड़े दिन फैमिली वाले विरोधी तो करेंगे, आपने पापा के विरुद्ध जाके डिसीजन ले लिया क्या हो गया, थोड़े दिन पापा बात ही तो नहीं करेगा।
अरे दो चार दिन, पांच दिन पापा बात ही तो नहीं करेगा, अरे 10-15 दिन मम्मी बात ही तो नहीं करेगी, अरे 15-20 दिन बीवी खाना बना के तो नहीं देगी, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। एक बार आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेके देखिए, एक बार अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी के देखिए, एक बार। दिल वाले दुल्हनिया का वो डायलॉग याद है ना, जा सिमरन जी ने जी ले अपनी जिंदगी, वो वाला करिए आप, अपनी जिंदगी खुद जियो यार, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। उस मूवी के अंदर काजोल जो थी वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अमरीश पुरी की वजह से वो शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन लास्ट में जो उसने को करना था वही किया, लेकिन प्रॉब्लम कितनी ज्यादा झेली। तो मैं आपको वही बात बोलना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक बनिए, और आप अपनी लिस्ट में दोस्त चेक करिए कि आपकी लिस्ट में जो कॉन्टेक्ट नंबर है, लिस्ट में जो नाम है, ये डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंड है, डिपेंड है, किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो उनको उनकी फैमिली के साथ बैठ के प्लान दिखाइए, और जो इंडिपेंडेंट हैं उनको आप कहीं भी प्लान दिखा दो, वो राजा होते हैं अपनी मर्जी के, वो राजा होते हैं। और ऐसे लोगों को दुनिया सैल्यूट करती है, ऐसे लोगों को दुनिया सलाम करती है। इस दुनिया में उन्हीं लोगों की जय जयकार होती है जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, जो किसी और के कहने से डिसीजन लेते हैं, उनको गली की कुतिया भी नहीं पूछती। ये बात बता रहा हूँ आपको, ये बात दिमाग में रखना अपने, उनको कोई नहीं पूछता, उनको गली में कुत्ता भी ना देख के भौंकता नहीं है, उनको कुत्ता भी देख के पूछ हला देता है, चल ठीक है निकल, तुझे तू यार साला गुलाम है, तुझे कोई नहीं पूछता, तेरे घर में तेरे को कोई नहीं पूछता, तो गुलाम है। तो जिंदगी में याद रखना, गुलाम आदमी की कोई औकात नहीं होती, इंडिपेंडेंट बनिए। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो मेरे परिवार वालों ने मना किया था, और सबके करते हैं, कि जितने भी आपको जितने डायमंड दिखाई देंगे ना, जितने भी डायमंड हैं, ब्लू डायमंड है, स्टार सफायर है, सफायर है, इन सबको साइन के फैमिली मेंबरों ने मना किया होगा, 95% बोला मना किया होगा, पक्का मना किया होगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंट रहे, इन्होंने अपना डिसीजन खुद लिया, खुद लिया इन्होंने अपना डिसीजन, और आज देखिए आज सारे लोग कहां से कहां है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, तो याद रखिए, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो ध्यान दीजिए उनमें, जो इंडिपेंडेंट है उनको आप पहले प्लान दिखाइए, जो डिपेंड है जब आपके पास टाइम हो तब आप उनको प्लान दिखाइए, अपना टाइम खराब मत करिए। उसके बाद दोस्त MAN फॉर नीडी, नीड हो उसको, ऐसा नहीं है साला दारू पी के पड़ा रहता है। आप उसको, जो आदमी दिन निकला सुबह 6 बजे, और जैसे ही उसने सुबह 6 बजे निकला, सूरज बाद में निकलता है, वो साला दारू का ढक्कन पहले खोल देता है, दारू पी लेता है, और आपने उसका नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर रखा है। वो सुबह भी दारू, चाय की जगह तो दारू, दूध की जगह तो दारू, पानी की जगह तो दारू, खाने की जगह तो उस नमकीन बिस्कुट। उसको कहने का मतलब यह है कि उसको दारू दारू उसको जरूरत ही नहीं हो, नशेड़ी आदमी, आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात को। ऐसे लोगों का नाम आप अपनी डायरी में लिखिए, जो आपने 150 लोगों के नाम लिखे, उसमें चेक करिए कि इनमें कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले उन पे क्लिक करिए, उन पे यस स्टार बनाइए उन पे। आपको लगता है ये यार ये अपने बाप के ऊपर दम, अपने बाप की प्रॉपर्टी पे वो रखता है, गुरूर करता है अपने बाप की प्रॉपर्टी पे, इसको अहंकार है, उसको बाद में लिखिए, उसका नाम बाद में आइए। जिसको नीड है, जरूरत है, मैं इस कंपनी में क्यों आया, मुझे जरूरत थी, आप इस कंपनी में क्यों आए, आपको जरूरत है। चेक करिए उन लोगों को, जिन लोगों के नाम अपनी डायरी में लिखे हैं उनमें से कुछ चीजों को चेक करिए। ऐसा तो नहीं साले की इच्छा ही बिल्कुल मरी पड़ी है, उससे बोलो कि सर हम भी बिजनेस प्लान लेके आए हैं, और वो सामने से बोलेगा अरे संतोषम परमम सुखम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस एक गुरुजी महाराज हैं, उनकी प्रार्थना में लगे पड़े हैं, वो ही वह, वो एक बात बोलते हैं गुरुजी महाराज, हमारे महाराज एक ही बात बोलते हैं, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ये मोह माया है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ये जितने भी मोह माया वाले आदमी, जितने भी सत्य, ये आपको मिलेंगे ना, जो आप महाराज मैं ये बोला है, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, अरे पाप है, ये ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए, उन लोगों से दूर रहो बिल्कुल। ये खुद तो मरते ही मरते हैं, अपने परिवार को भी साथ मारते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, इनको जरूरत ही नहीं है, इनका कुछ होने वाला ही नहीं है, इनका जिंदगी में कुछ होगा नहीं। ऐसे लोगों को अपनी जो डायरी है आपकी, उसमें से आप चेक करिए दोस्त, जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है इस बिजनेस की, उनके कॉन्टेक्ट, उनका नाम आपने लिखा, उन पर क्लिक करिए, यस 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 करिए उन पे। पहले जिन पे आपने, जिनको जरूरत है, पहले उनको प्लान दिखाओ, और जब टाइम नहीं मिले, जब टाइम बचता है, पार्ट टाइम, जब मन कर आपके पास टाइम निकला है, आज आपके पास आज कोई प्लान नहीं है, तब उन लोगों को प्लान दिखाइए जिनको जरूरत नहीं है। उनको प्लान दिखाने से क्या होगा, आप प्लान ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखाओगे, आपका प्लान परफेक्ट होगा, बार बार प्लान दिखाओगे। तो दोस्त याद रखना,
ये जितने भी है ना संतोषम परमहंसो, हमें पैसे की माया, हमें माया से हम बहुत दूर रहते हैं, ये कुछ लोगों के पास जाते हैं बाबाओं के पास, बाबा इनसे बोलता है पैसे की जरूरत नहीं है, बाबा इनसे खुद ले लेता है सारे पैसे, अपने पास रखता है, इनको खाली छोड़ देता है। ऐसे लोगों से दूर रहे, ये ना तो कुछ जीवन में कुछ खुद करते अपना, ना अपने परिवार का खुद करते। इनका परिवार मैं आपको चीज बोलूंगा, जितने भी संतोषम परमम सुखम ना, ये जो बोलते रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, मोह माया से बिल्कुल दूर है, ये भरी जून जुलाई के महीने में ना डीटीसी बसों में सफर करते हुए मैंने देखा, जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में साइकिलों पे चलते हैं लोग, जून जुलाई के महीने में इन लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं होते, ये रोड पे भी चलते हैं तो इनको लू लगती है, इनके पास कुछ होता ही नहीं है। जून जुलाई के महीने में भी ये लोग चप्पलों पे सही से नहीं होते, जूते भी सही से नहीं होते, गर्मियों में भी छाले पड़ जाते हैं इनके पैरों में, इनको जरूरत ही नहीं की चीज की, ये बिल्कुल इनके दिमाग में ऐसा कुछ वास कर देते हैं लोग कि हर चीज से मुंह माया से दूर हट जाओ, ऐसे लोगों से दूर रहे। इन लोगों का अपनी आपकी डायरी में ऐसे लोगों का नाम है तो इनको भी आप हटाएं, ये बाद में आएंगे का। तो दोस्त इन बातों को याद रखना कि अगर आप अपनी लिस्ट बनाते हैं तो एम मनी, उसके पास मनी हो, 10,000 से ज्यादा कमाता हो, उसके बाद ए अथॉरिटी, उसको कोई ऐसा नहीं हो कोई कमांड देता हो, अगर वो उसको कोई कमांड देता तो आपका कुछ होने वाला नहीं, वो डिपेंड है, उसको बाद में प्लान दिखाना, जो इंडिपेंडेंट है उनको आप पहले प्लान दिखाओ, और एन फॉर नीडी, उसको जरूरत हो, नीड हो, अगर वो उसको जरूरत है आप उसको प्लान दिखाओगे तो वो बहुत जल्दी आपके साथ आएगा, जिसको जरूरत नहीं है, पौवा मारा देसी मारा है, उसका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे लोगों से आप दूर रहे। दो जितनी बड़ी लिस्ट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। अपनी लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों के आप नाम लिखें, और इस 150 लोगों की लिस्ट बनाते समय जो आप बना रहे हैं इसमें एक बात और ध्यान रखें कि वो आपको जानते हो और आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हो और आप उनको भी जानते हो, तो आपके साथ कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा होगा, लिस्ट बहुत अच्छी बनेगी, बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की लिस्ट बनाइए, और जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो आपके पास हो सकता है लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी, आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, आपके घर में शादी के कार्ड आए होंगे, आप बहुत शादी के कार्ड आते हैं हमारे घरों में, आप लोगों के घरों में बहुत ज्यादा शादियों के कार्ड आते हैं, जितने भी आज तक शादियों के कार्ड आए हैं हमारे, हम सब चीजों को फेंकते हैं लेकिन हम शादी के कार्ड को नहीं फेंकते हैं, क्यों नहीं फेंकते हैं, शादी के कार्ड पे गणेश जी का फोटो लगा होता है, शादी के कार्ड पे अल्लाह जो भी लगाते हैं लोग, वो लोग मुस्लिम लोग, मुझे इतनी जानकारी नहीं है उनके फोटो पे क्या लगा होता है, कार्ड पे क्या लगा होता है शादी का, लेकिन मुझे ये बात मालूम है हमारे यहाँ पर क्या होता है, शादी के कार्ड पे गणेश जी का फोटो लगा होता है, हम लोग शादी के कार्ड बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। तो शादी के कार्ड हमारे घर में इकट्ठे होंगे, उन शादी के कार्ड आप निकालिए, और जब आप निकालेंगे तो बहुत सारे आपको कार्ड मिलेंगे, उन कार्ड कहाँ कहाँ से आए हैं उनके सबके नाम अपने डायरी में आप लिखिए। आपके आपकी सिस्टर की शादी हुई होगी तो सिस्टर की शादी में जहां जहां से कन्यादान आया है वो आपके पास डायरी होगी, आज भी कन्यादान जब लिखते हैं तो वो डायरी होगी, उस डायरी को आप खोलिए, उसमें बहुत सारे नाम हैं जहां जहां से कन्यादान आया है, उन सबके नाम अपनी डायरी में लिखिए, अपने पापा के साथ बैठिए, पापा से बोलिए, पापा ये राम सिंह कौन है जहां से कन्यादान आया, पापा ये श्याम सिंह कौन है, पापा ये कौन है, पापा ये कौन है, पापा सबके बारे में बताएगा, उन लोगों के नाम आप ऐड करिए। दूसरा, आप जहां भी बर्थडे होते हैं, जब बर्थडे होते हैं उनके भी नाम आप लिखिए, जहां भी आप किसी भी कंडीशन में आप जाते हो वहां भी उनके भी आप नाम लिखिए, लाइट का बिल जमा कराना जहां जाते हो वहां का नाम लिखिए, बच्चे के स्कूल में जहां बच्चों की फीस देने जब जाते हो, जहां भी फीस देने जाते हो टीचर को उनके भी नाम आप लिखिए। कहने का मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम लिखिए, लेकिन इन ज्यादा लोगों में जब आप नाम लिखोगे इनमें सबसे ज्यादा जो आपको रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा फ्रेंड और रिलेटिव, फ्रेंड और रिलेटिव, फ्रेंड और रिलेटिव होती है आपकी हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट। और दोस्त मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आज आपको, नेटवर्क मार्केटिंग अब से आज से पहले भी फेस वैल्यू पे चलती थी, नेटवर्क मार्केटिंग आज भी फेस वैल्यू पे चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में भी फेस वैल्यू पे ही चलेगी। यहाँ लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के सामने वाले को तब देते हैं जब सामने वाला उनका जानकार होता है, याद रखें सामने वाला उनका जानकार होता है, अनजान होता है तो बहुत मुश्किल से पैसे मिलते हैं, जानकार होता है तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैंने अपने मामा का नाम लिखा, मैंने अपने मामा को प्लान दिखाया तो मामा मेरे से ये नहीं पूछेगा तुम कहाँ से आए हो, चाचा मेरे से ये नहीं पूछेगा तुम कहाँ के रहने वाले हो, अनजान आदमी पूछेगा कहाँ से हो जी, कहाँ के रहने वाले हो जी,
तो अनजान लोगों को प्लान दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप अपने क्लोज लोगों को प्लान दिखाओ, आप बिजनेस प्लान को समझिए। हमारा बिजनेस प्लान, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। थैंक्स एसलीपीएस, थैंक्स महिपाल सर, थैंक्स संजीव सर, थैंक्स अनिल सर, थैंक्स शिव कुमार सर, हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारा बिजनेस प्लान सिर्फ 2 लेग है। ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारा बिजनेस प्लान सिर्फ 2 लेग है। 2 लेग मतलब 2 लोगों को ही ज्वाइन करना है, और हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड कम से कम भी 40 से 50 होते हैं, और 40 से 50 रिलेटिव में ही हमको आराम से, हमें जितने कितने लोग चाहिए, 2 लोग हमें, एक तरफ हमने मामा को ज्वाइन करा लिया, एक तरफ चाचा को ज्वाइन करा लिया। अब मामा के कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, चाचा के भी कुछ ऐसे रिश्तेदार, उनके भी 2-2 आ गए, नीचे वालों के 2-2 आ गए। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे एक चीज बोलना चाह रहा हूं, आप रिश्तेदार के रिश्तेदार, 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 रिश्तेदार के रिश्तेदार में भी आप प्लान दिखाओगे तो भी आप 2 से 3 साल में डायमंड बन जाओगे। दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त में भी आप प्लान दिखाओगे तो भी आप आने वाले 2 से 3 साल में आप डायमंड बन जाओगे। ये बिजनेस हॉट लिस्ट का था, हॉट लिस्ट का है, हॉट लिस्ट का रहेगा। या क्लोज लोग कॉन्टेक्ट में ज्यादा आते हैं, आप जितने अपने क्लोज लोगों को प्लान दिखाओगे वो आपकी फेस वैल्यू पे आपको पैसा देंगे, फेस वैल्यू पे आपकी फेस वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू, फिर उनकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का भी आप बिजनेस करोगे ना दोस्त, बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम एक रहती है, हम लोग अनजान लोगों को प्लान दिखाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम अनजान लोगों को प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा, अनजान लोगों को प्लान दिखाएंगे तो हमारे चेक बनेंगे, और चेक बनेंगे तो हम अपने मामा को दिखाऊंगा तो मामा मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा। अरे मामा तो फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर लेगा, मामा को चेक की जरूरत नहीं है, चेक की जरूरत तो अनजान लोगों को पड़ती है। चेक की जरूरत अपने लोगों को नहीं पड़ती है, अपने लोगों के लिए तो चेहरा बहुत है, अनजान लोगों के लिए चेहरा काम नहीं करता, अनजान लोगों के लिए आपका चेक काम करता है। तो अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव के पास आप जाते हैं तो ध्यान दें कि उनके लिए चेक की जरूरत नहीं है, चेक की जरूरत पड़ती है। अनजान लोगों के लिए अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव को आप प्लान दिखाइए, जितने भी हैं आप उनको, रिलेटिव को प्लान दिखाओगे, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लान दिखाओगे तो दोस्त आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। और जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान है, अल्फाबेट का प्रयोग करें, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, ए से लेकर जेड तक आप लिखिए। ए के ए नाम से आपके कॉन्टेक्ट में कितने लोग हैं, आप अपनी मोबाइल उठाइए और मोबाइल में चेक करिए, ए नाम से कितने लोग हैं उनका सबका नाम लिखिए, बी नाम से कितने लोग हैं उन सबका नाम लिखिए, सी नाम से कितने लोग हैं उनका नाम लिखिए, सबके नाम आप लिखिए, सबके नाम, एक का भी नाम छूटना नहीं चाहिए, क्लियर है, एक का भी नाम नहीं छूटना चाहिए। दूसरा एक चीज आप और गलती करते हैं, कुछ लीडर बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर के बारे में बोल रहा हूं मैं, बड़े बड़े लीडर कुछ गलती करते हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप चाहे कितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे कितने भी बड़े छोटे लीडर हैं भैया, आप एक चीज का ध्यान दें, आपकी जितनी भी लिस्ट है आज, ये लिस्ट, हर इस लिस्ट में हर महीने 10 से 15 नाम आपके माध्यम से नए जुड़ने चाहिए हर महीने। मतलब मैं आज कंपनी का ब्लैक डायमंड हूं, ये रूल मेरे लिए भी काम करता है, मेरी जो लिस्ट है, लिस्ट बुक जो मेरी है, उस लिस्ट में 10 से 15 नाम नए ऐड होने चाहिए पर मंथ। इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है, एक व्यक्ति है ए, ए व्यक्ति की दोनों लेग बहुत अच्छी खासी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, कटाकट 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 बढ़िया चल रही है, आराम से लाखों रुपए के चेक ले रहा है। खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक लेग पैरालाइज होगी, लंगड़ी होगी, दोनों लेग बढ़िया चल रही थी, बढ़िया खटाकट खटाकट, एक लेग लंगड़ी होगी, मतलब ये लेग पैरालाइज होगी, इस लेग में जो लीडर थे किसी ना किसी बात पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया, कोई भी वजह हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ काम करना उन्होंने बंद कर दिया। अब जो ऊपर वाला जो लीडर है उसके पास कोई लिस्ट नहीं है, वो किसके भरोसे था, इन लोगों के भरोसे था, और जब ये लोगों ने काम करना बंद कर दिया उसका बिजनेस खत्म हो गया, अब क्या करेगा, दोबारा फिर स्टार्ट करेगा जीरो से, अब जीरो से स्टार्ट कब करेगा, तब लिस्ट होगी, अब लिस्ट ही नहीं तो करेगा कैसे। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं, आपकी एक लेग लंबी है, आप हर महीने 10-15 लोगों की लिस्ट आप बनाते हो, 10-15 लोगों को आप खुद प्लान दो, खुद आप खुद प्लान दो, आप जब खुद प्लान 10-15 लोगों को आप दोगे तो हर महीने 4 से 5 नए लोगों को आप लेके आओगे, हर हफ्ते एक दमदार लीडर, एक दमदार लीडर की क्वालिटी होती है, 7 दिन के अंदर वो अपनी टीम के अंदर एक नए व्यक्ति को अपने माध्यम से लेके आता है, अपने माध्यम से।
और अपने माध्यम से लाके जो लेग उसकी वीक होती है उस लेग में सबसे नीचे उसको डालता है और सबसे नीचे जाके उस लीडर के साथ काम करता है। जब वो उस लीडर के साथ काम करता है जितने भी ऊपर के लीडर थे जो जी मोटिवेट हो रहे थे वो सारे लोग फिर मोटिवेट हो जाते हैं और फिर बहुत बड़ा काम होना स्टार्ट होता है। हर हफ्ते आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, पर वीक एक न्यू ज्वाइनिंग आपके माध्यम से आपके नेटवर्क में आनी चाहिए। अगर आपके माध्यम से एक नई ज्वाइनिंग हर हफ्ते आएगी तो मैं आपको एक बात बोल दूं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, अगर आप हर हफ्ते लिस्ट, हर हफ्ते नए लोगों को अपनी डायरी में लाते हो, हर व्यक्ति, हर वीक एक नए व्यक्ति को ला रहे हो, जिंदगी में आपका बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। ये जितने भी लोगों के बिजनेस खत्म होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक समय पर वो राजा होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और फिर वो रंक बन जाते हैं। राजा और रंक बनने में उनके बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना दोस्त, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके साथ उनके डायरेक्ट नए लोग नहीं जुड़ते, डायरेक्ट नए लोग। और जिस लीडर के साथ डायरेक्ट नए लोग जुड़ने स्टार्ट रहेंगे ना लाइफ टाइम, वो लीडर कभी भी फेल नहीं होगा। ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। आपकी पूरी टीम खत्म हो जाए ना और जंतर मंतर पे जाके आपके डाउनलाइन धरना दे दे और आपके पास लिस्ट है और आपके पास क्वालिटी है आपके नए लीडर को ज्वाइन कराने की, तो जंतर मंतर पे भी खड़े होके आप एक ही बात बोल सकते हो, सारी टीम काम करे या ना करे, मेरे अंदर इतना दम रखता हूं फिर मैं नए लोगों को फिर ज्वाइन करा लूंगा। ये क्वालिटी तब आती है जब आप हर वीक नए लोगों को ज्वाइन करा। आज तक का रिकॉर्ड है मैंने कभी अपनी डाउनलाइन से रिक्वेस्ट नहीं करी कि तुम काम करो, मुझे मेरा अपलाइन चाहिए सर, मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा है और मैं इतनी क्वालिटी रखता हूँ, इतना दम अपने अंदर रखता हूँ कि इस रोड पे भी खड़े होके जहां अनजान मैं बोलूं, जहां लोग कम से कम आते होंगे वहां से भी लिस्ट बना के हर हफ्ते, अरे कुछ भी नहीं हर हफ्ते 100 SP तो निकाल सकता हूं और 100 SP निकालने के बाद उस आदमी के साथ इस कदर मेहनत कर सकता हूं कि 2 से 3 साल में उस व्यक्ति को मैं डायमंड बना सकता हूं। जब मैं उस व्यक्ति को डायमंड बना सकता हूं तो मैं भी बन सकता हूं। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आप हर हफ्ते एक नए व्यक्ति को लेके आ, तो नए व्यक्ति कब आता है, जब आप लिस्ट बनाते रहते हैं। अरे आप सब्जी लेने गए आज, उसका भी कॉन्टेक्ट नंबर लो, आप ओला में बैठे उसका भी नंबर लो, आप उबर में बैठे उसका भी नंबर लो, आपने टिकट बुक कराए उसका भी नंबर लो, आपने जूते खरीदे उसका भी नंबर लो, आपने शर्ट खरीदी उसका भी नंबर लो, आपने कोट पैंट खरीदे उसका भी नंबर लो, आपने मोबाइल लिया उसका भी नंबर लो, आपने पेन खरीदा उसका भी नंबर लो, आपने डायरी खरीदी उसका भी नंबर लो, आपने मैं करो ठेली पे खाना खाया उसका भी नंबर लो, आपने रेस्टोरेंट में खाया उसका भी नंबर लो, ढाबे पे खाया उसका भी नंबर लो, जिस होटल में स्टे करते हो उस चपड़ा उसका पियोन का भी लो, उसके ओनर का भी लो, रिसेप्शन वाले का भी लो, रूम के अंदर जो सफाई करने आता उसका भी नंबर लो। अरे मैं कह रहा हूं इस दुनिया में किसी को मत छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ना है? अपने लिए नहीं। आपने चपरासी का नंबर अपनी डायरी में लिखा और चपरासी ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया और वो आज महीने का कमाता था 10-12 हजार रुपए और आपके साथ ज्वाइन करने के बाद 3 से 4 साल के अंदर वो डायमंड बन जाता है। दोस्त मैं एक बात गारंटी बोल सकता हूँ, उस डायमंड, जब वो डायमंड बनेगा ना, उसके घर में आज तक भगवान की पूजा होती होगी, अल्लाह की पूजा होती होगी, लेकिन दोस्त 3 साल के बाद उस घर के अंदर जब पूजा होगी ना तो वो किसी और की नहीं करेगा, वो आपकी करेगा, क्योंकि आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदली है। जब भी आप किसी की लिस्ट बनाते हैं ना, चेक ना करें ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, अरे हर आदमी की लिस्ट बनाओ। अरे आपका काम है प्लान दिखाना, ज्वाइन करे या ना करे वो काम है उसका। तो दोस्त लिस्ट के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, जिस लीडर के पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता उस लीडर को मिलेगी, जिसके पास जितनी कम लिस्ट होगी उसको कम सफलता मिलेगी। तो चेक करें दोस्त, चेक करें कि आपके नेटवर्क में लिस्ट कितनी बड़ी है। उसके बाद लिस्ट के बाद बात आती है दोस्त इनविटेशन की। जब भी आप इनविटेशन करते हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान दें। हमारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हमें इनविटेशन करते हैं, तो इनविटेशन करते समय हम कुछ गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, जब हम इनविटेशन करते हैं तो हम लोगों को कॉल करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, मैं ज्वाइन हुआ आज और ज्वाइन होते ही मैंने क्या काम किया, मैंने अपने मामा को कॉल किया। तो मामा को मैं कॉल करता हूँ तो मामा से मैं क्या बोलता हूँ, मामा से नमस्ते। मामा बोलता है नमस्ते। हम बोलते हैं मामा और बताओ ठीक हो, तो मामा बोलता है ठीक हो जी।
तो हम बोलते हैं मामा मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है और उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्लान है और उस कंपनी के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, मुझे पता है कि आपको डायबिटीज है, मुझे पता है आपके जोड़ों में दर्द है, मुझे पता है आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम है आपको, ये प्रॉब्लम है डाई, ये है, तो मैं सोच रहा हूँ 10-12 हज़ार रुपए के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे और बिजनेस भी ज्वाइन कर लोगे और उसके बाद करना कुछ नहीं है, दो लोगों को ज्वाइन करना है, एक को लेफ्ट में करा देना एक को राइट में करा देना, वो दो लोग काम करेंगे और आप आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप करोड़पति मामा बन जाओगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मामा ज्वाइन कर लेगा? इस तरह से हम अपने चाचा से बात करेंगे क्या ज्वाइन कर लेगा? इस तरह से हम अपने ताऊ से बात करेंगे क्या ज्वाइन कर लेगा? इस तरह से हम अपने किसी दोस्त से बात करेंगे क्या कर लेगा? इस तरह से हम अपने पड़ोसी से बात करेंगे क्या कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये गलती हम करते हैं, हम यही गलती करते हैं दोस्त। मैं आपको चीज बता रहा हूं, इनविटेशन करना बहुत आसान है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज, खुला चैलेंज है कि इनविटेशन करते समय आप कुछ ना बोलें, आप सिर्फ एक बात बोलें, कुछ ना बोलें एक बात बोलें, कुछ ना बोलें एक बात बोलें, कुछ ना बोलें सिर्फ एक बात बोलें। क्या बात बोलें? आप वो बात बोलें जो एस्लीपस को ज्वाइन करने से पहले बोलते थे, जो आप एस्लीपस को ज्वाइन करने से पहले बोलते थे, क्या बोलते थे? आप का दोस्त है कोई, उसका नाम है राम, आपको राम से मिलना था और आपने एस्लीपस ज्वाइन नहीं करी है। राम को मिलने से पहले, एस्लीपस को ज्वाइन करने से पहले आपको राम से मुलाकात करनी होती थी, तो आप राम को क्या बोलते थे? सिंपल सी बात, हाँ भाई सर, हाँ भाई दोस्त, क्या हाल चाल है? उसने वो दोस्त बोलता था, हाँ बढ़िया हूँ, आप कहाँ पर है? वो बोलता था घर हूँ। अरे ठीक है यार, मिलते हैं शाम को, आज बहुत दिन से मिले नहीं है, आज क्रिकेट खेलने के लिए चलते हैं। दोस्त क्या बोलेगा? मना करेगा क्या? नहीं मना करेगा। आपने अपने दोस्त को बोला कहाँ पर है भाई? उसने बोला ऑफिस में, अरे शाम को मिलते हैं। उसने बोला ठीक है। आप एस्लीपस को ज्वाइन करने से पहले जिस तरह अपने दोस्तों से बात करते थे उसी तरह करो, जिस तरह चाचा ताऊ मामा जिससे भी आप बात करते थे ना उसी तरह आप बात करो। हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे हम एस्लीपस को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने से पहले दोस्त को बोलते थे नाम लेके, और जैसे ही हमने ज्वाइन कर लिया ना दोस्त को बोलते हैं सर, बोल सर कहके, और जैसे ही हम अपने दोस्त को सर बोला, मतलब आपके पास आज कोई दोस्त है आपका, वो नाम लेके आपसे बात करता है। आज आपका कोई दोस्त है, आज वो आपसे नाम लेके बात करता है, और कल उसका कॉल आए, कल वो आपको सर कह के बोले सर क्या हाल है, तो आपके जो कान है ना, कान खड़े हो जाएंगे। ये जो कान है ना आपके, ये आपके कान खड़े हो जाएंगे, आंख खुल जाएंगे, इसमें सर कैसे बोल दिया आज? और जैसे उसने सर बोला ना, आपके दिमाग की बत्ती सारी जल जाएंगी कि कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, आप उससे सिर्फ उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से आप एस्लीपस को ज्वाइन करने से पहले करते थे। याद रखें, मामा को उस तरह से बात करें जिस तरह से पहले करते थे। कैसे? अब मैं बात करता हूं कैसे। मतलब मुझे अपने दोस्त को प्लान दिखाना है, मेरे दोस्त का नाम है राम, मैंने राम को कॉल किया, मैंने उसको बोला जैसे बोलता था, जैसे बोलता था, राम क्या हाल है भाई? उसने बोला ठीक हूँ। राम एक काम करना है, कहाँ पर है मुझे मिलना है? तो राम बोलेगा मैं घर हूँ, ऑफिस हूँ, या कहीं गया हुआ हूँ, शहर गया है, गांव गया है, कहीं भी गया है। तो राम ने बोला कि हाँ पता, किस लिए मिलना है? बेस्ट दोस्त वैसे ही मिलना है, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, आज मिलते हैं शाम को। तो अब राम क्या बोलेगा? नहीं मिलना है। ऐसा कोई दोस्त नहीं बोलेगा, कोई दोस्त भी ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि आज से पहले भी आप उससे ऐसे ही मिलते आए हैं। तो राम आपसे एक ही बात बोलेगा, ठीक है शाम को कहाँ पर मिलना है बता। तो आप बोलिए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू मेरे घर आ जा, या कॉलेज में मिलते हैं, या जहां भी, कहां पर, जहां पर हम कॉलेज टाइम में मिलते थे, कहां पर, ट्वेल पे, तालाब पे, टंकी के ऊपर, किसी के छत पे, ठीक है ना, मैदान में, उस लड़की के घर के बाहर, उस लड़के के घर के बाहर, उस ताऊ के घर के बाहर, उस ताई के घर के बाहर, जहां पर भी मिलते थे। सीक्रेट जगह होती है, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ कहाँ कहाँ मिलते थे, तो वो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जहां जहां भी मिलते थे, अपनी लाइफ, अपने हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, कहाँ कहाँ अपने दोस्तों के साथ जाते थे, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ मिलिए, ठीक है। तो आप उसको बोलिए वहाँ मिलते हैं ठिकाने पे, बोलते हैं अड्डे पे मिलते हैं, अड्डे जानता है। अगर मैं अपने किसी दोस्त को बोलूँगा अड्डे पे मिलते हैं, तो मेरा दोस्त के दिमाग में
पॉइंट आएगा अड्डा कहाँ है हमारा, अड्डा कहाँ होता था, हमारा अड्डा होता था टंकी पे हम बैठते थे, हमारा अड्डा होता था ट्वेल्व पे हम जाके बैठते थे, हमारा अड्डा होता था नहर पे जाके हम बैठ, जो भी हर आदमी का अपना अपना एक अड्डा होता है वहां पर आप बैठे, तो आपने बोला ठीक है यार अड्डे पे मिलते हैं शाम को। जब शाम को मिले तो आपको भी काम करना, प्लान दिखाना है। अभी बात चल रही है हमारी इनविटेशन की, पहले हमारी बात चल रही थी लिस्ट की, अभी हम बात कर रहे हैं इनविटेशन की। मुझे अपने मामा को प्लान दिखाना, तो मामा को मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है, आज तक मैं जैसे मामा से बात कर रहा हूँ वैसे ही करना है कि मामा नमस्ते, मामा ने बोला नमस्ते, मामा घर पर सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, मामा कल मैं आपके वहां आ रहा हूँ, बहुत दिन से आया नहीं हूँ, कल मैं आ रहा हूँ, तो मामा क्या बोलेगा, ना ना मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, मामा क्या बोलेगा, ठीक है आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए अपने मामा के घर, जाके वहां आराम से बैठिए। इनविटेशन करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन इस दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनविटेशन को इतना टफ कर दिया है कि हाँ जी ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, ये करो वो करो। अरे वे भाई मेरे, इनविटेशन का मतलब क्या है, इनविटेशन का मतलब है सामने वाले को इनवाइट करना, किस लिए, मिलने के लिए, किस लिए मिलना, अपने काम के लिए, काम बताना नहीं है, पहले मिलो, मैं इनविटेशन का मतलब सिर्फ मिलना, मीटिंग करें ओनली मिलना, और मिलने के लिए थोड़ी कि सर कह के बात करो ये कह के, अरे मिलना कैसे होता है, मिलने का मतलब सिंपल सी एक बात बोलो, सिंपल सी एक बात, सिंपल सी एक बात, भाई मिलना है, बात खत्म, बात खत्म। मुझे अपने चाचा को, मुझे अभी अपने अपने चाचा से मुझे मिलना है, तो क्या करूंगा मैं, चाचा को फोन करूंगा, चाचा कहाँ हो, जो घर पे हूँ, चाचा मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, चाचा मना करेगा, ना मत आना, लेकिन चाचा से बोलो सर, चाचा से सर कह दो, तो सर कह दो एक बार, कि चाचा से आप एक बार सर बोल दो, सर नमस्ते, और सर फिर चाचा से बोलना सर नमस्ते, सर मुझे मिलना है आपसे, चाचा घर में ही होगा और बोल देगा मैं कहीं गया हुआ हूँ, घर में बैठा हुआ चाचा और बोल देगा मैं कहीं गया हुआ हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, इनविटेशन करते समय बॉस नहीं बनना है, इनविटेशन करते समय भूल जाइए कि आप पैसली पेश में हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे, इनविटेशन करते समय भूल जाइए कि आप एस्लीपियस में हैं। इनविटेशन का मतलब सिर्फ ये है कि आप उससे मिलने के लिए बात कर रहे हो, वो आपको अपना टाइम दे दे, बात खत्म, बात खत्म। इनविटेशन का मतलब सिर्फ ये है, सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। इनविटेशन करते समय बॉस ना बने, इनविटेशन करते समय ज्यादा सर 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 ना करें, इनविटेशन करते समय नाम और रिश्तेदार को जिस बात से पुकारते थे, जिस नाम से पुकारते थे, जो आपका रिलेशन है उस पॉइंट से बात करिए, मिलने का टाइम लीजिए, मिलना है, और वो सामने वाला बोल दे, दोस्त बोल देता है ना कि आज नहीं कल मिलूंगा, तो रिक्वेस्ट मत करिए, ना ना आज ही मिल, कल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप 50 लोगों के नाम लिखोगे ना, 50 लोगों को आप इन्विटेशन करोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ दोस्त, चैलेंज, आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से मैंने बोला है ना, एक भी दोस्त और एक भी रिश्तेदार आपको मना नहीं करेगा मिलने के लिए, हर एक ही बात बोलेगा ठीक है मिल लीजिए, ठीक है आ जाइए, ठीक है मिलते हैं, एक भी मना नहीं करेगा, मेरा चैलेंज है दोस्त। उसके बाद और क्या बात याद रखते हैं हम लोग, लिस्ट बनाते हैं, इनविटेशन करते हैं, मैं आपको चीज बोल देता हूँ, लिस्ट बनाते समय, इनविटेशन करते समय ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपके पास 50 लोग भी आपके कॉन्टेक्ट में, फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव, 50 लोगों को आपने इनविटेशन कर दिया और 50 लोगों की आपने क्लोज लोगों की लिस्ट बना दी, तो मैं चैलेंज करता हूँ दोस्त, एक नाम का मैं आपको 20 लाख रुपए दे सकता हूँ, एक नाम का 20 लाख चैलेंज है मेरा, एक नाम का 20 लाख रुपए दे सकता हूँ मैं आपको, एक नाम का, एक नाम लिखने पर अगर आपको 20 लाख रुपए मिले तो कितने लोग जो नाम लिख लेंगे अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव का, एक नाम लिखने पे 20 लाख, एक नाम लिखने पे 20 लाख, 20 लाख की बात कर रहे हैं, आएगा बहुत, लेकिन मैं 20 लाख की बात कर रहा हूं, एक नाम लिखने पे 20 लाख, एक नाम लिखने पे 20 लाख, सिर्फ एक नाम लिखने पे 20 लाख, एक नाम लिखने पे 20 लाख बोल रहा हूं मैं आपको। बाहर की ट्रेनिंग में क्या बोला जाता है, एक नाम लिखने पे 80 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, चिल्लर है क्या हम, एक नाम लिखने पे 20 लाख बोल रहा हूँ आपसे, एक नाम लिखने पे 20 लाख रुपए भी आपको मिल सकते हैं। कैसे, कैसे, आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई और 50 लोगों की लिस्ट में कितने लोगों की लिस्ट बनाई, 50 लोगों की लिस्ट बनाई, सिर्फ आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई, सिर्फ
तो सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट बनाई, इन 50 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया और 50 लोगों में से सिर्फ 2 लोग भी, एक लेफ्ट में आ गया और एक राइट में आ गया, और इन दोनों ने ठान लिया कि 50-50 लाख रुपए कमाने हैं। उन दोनों ने 50-50 लाख रुपए कमाए, आपने 1 करोड़ रुपए कमा दिया। 50 लोगों को 1 करोड़ में 50 का भाग करिए, 20 लाख रुपए निकल के आता है दोस्त। समझ में आ रहा है आपको? 50 लोगों से करोड़पति बन सकते हो आप, 50 लोगों के नाम लिखने से आप करोड़पति बन सकते हो, सिर्फ 50 लोगों के नाम लिखने से। ये 50 लोगों को अच्छे नाम लिखने से, अच्छे नाम का मतलब क्या, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, MAN 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, उनका फॉर्मूला लगाने से और इन लोगों को इन्विटेशन करने से, इन्हीं लोगों को प्लान दिखाने से आप करोड़पति से चुटकियों में बन जाओगे, पता भी लगेगा करोड़पति बनने में समय कितना लगा है, चुटकियों में बनोगे, चुटकियों में बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट, सौदा प्लान। प्लान दिखाते समय किन बातों का ध्यान रखें, मैं आपको प्लान दिखाना नहीं सिखाऊंगा, प्लान दिखाना आप लोगों पे आता है, और जिस पे प्लान दिखाना नहीं आता, अपने टोपाज से बात करो, रूबी स्टार से बात करो, सफायर से बात करो, स्टार सफायर से, डायमंड से बात करो, ब्लू डायमंड से बात करो, ये आपको प्लान देना सिखा देंगे। और किसी दिन हम अपने ब्लू डायमंड या डायमंड के माध्यम से आपको लाइव सेशन प्लान दिखाना भी सिखवाएंगे, ठीक है? तो प्लान दिखाना बहुत ईजी है, प्लान दिखाना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट केस नहीं है, हर आदमी का प्लान दिखाने का अपना अपने एक अलग तरीका होता है। आप जिस तरह से प्लान दिखाते हैं उसी तरीके से प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने से कभी ज्वाइनिंग नहीं आती है, मैं आपको बोल सकता हूं और मैं आपको 100% बोल रहा हूं, प्लान दिखाने से कभी ज्वाइनिंग नहीं आती है। अगर प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग आ रही होती तो मैं प्लान फोल्डर निकल के लेके निकलता और जितने भी लोग मुझे रोड पर मिलते हैं मैं सारे लोगों को प्लान दिखा देता। प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, प्लान कहां दिखा रहे हैं उन लोगों वहां से ज्वाइनिंग मिलती है। हम प्लान दिखा कहां रहे हैं वहां ज्वाइनिंग मिलती है। मैंने 500 लोगों को प्लान दिखा दिया और ये 500 के 500 लोग अजनबी हैं, ये 500 के 500 लोग मुझे जानते नहीं है, मेरा वहां से रिजल्ट नाम मात्र का आएगा। और मैंने 50 लोगों को प्लान दिखा दिया जो मेरे जानकार है, जो मेरे दोस्त हैं, मुझे वहां से अनलिमिटेड, मेरा वहां से रिजल्ट नाम मात्र का आएगा। और मैंने 50 लोगों को प्लान दिखा दिया जो मेरे जानकार है, जो मेरे दोस्त हैं, मुझे वहां से अनलिमिटेड मानता हूं। आप भी जानते हो गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, लेकिन गड्ढा खोदना कहां है, गड्ढा खोदना कहां है? और दोस्त आज का जमाना बदल चुका है, आज कंप्यूटर का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज ऐसी ऐसी मशीन है जो जमीन पर लगती है और वहां बता देते हैं कि पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। आज डिफिकल्ट नहीं हो गया, आज इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि हार्ड वर्क करो, ये करो, प्लान दिखाओ, प्लान पोर्टल लेकर लोग घूमते रहते हैं, पागल हो जाते हैं। अरे भाई इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप प्लान कहां दिखा रहे हो चेक करो। आप आदमी को बुखार है, बुखार के अंदर आदमी लूज मोशन की दवाई खाएगा तो बुखार ठीक नहीं होगा, लूज मोशन के अंदर बुखार की दवाई खाएगा तो ठीक नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो दिमाग में अपने में एक बात याद रखो, आप प्लान जो दिखा रहे हो ना, आप प्लान दिखा कहां रहे हो? आप प्लान अपने फ्रेंड को दिखा रहे हो, अच्छी बात है, आप प्लान अपने रिलेटिव को दिखा रहे हो, अच्छी बात है, आप प्लान रिक्शे वाले को दिखा रहे हो, सब्जी बेचने वाले को दिखा रहे हो, अनजान को दिखा रहे हो, आएगा रिजल्ट लेकिन उतना नहीं आएगा जितना रिलेटिव और फ्रेंड पे आएगा। याद रखें प्लान दिखाते समय, याद रखें प्लान दिखाने का अपना अपना एक तरीका है, आपका जो तरीका बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया तरीका होगा, आप जिस भी तरीके से प्लान दिखाते हैं बहुत बढ़िया। प्लान दिखाते समय कुछ बातों को आप ध्यान दें जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्लान दिखाने से पहले आप अपने आप से पहले खुद बात करो, क्या बातें करनी है। प्लान दिखाने से पहले आप अपने आप से बात करो कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं क्या ये ऐसे कपड़े हैं कि जब मैं सामने वाले के सामने जाके बैठूं सामने वाले को मैं अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, पहले बात करो। अगर सामने वाले को आपको ऐसा लगता है, आपकी नजर, आपका एटीट्यूड कहता है कि जो आज मैंने ड्रेस पहन रखी है सामने वाले को ड्रेस अच्छी लगेगी तो अच्छा होगा। मैं आपको चीज बता रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना, ड्रेस कौन सी अच्छी होती है? ड्रेस वो अच्छी होती है जिस ड्रेस को पहन के आपका दिल खुश हो जाए, आपका मन खुश हो जाए, वो ड्रेस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ड्रेस होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लुंगी पहन ली और आपको लुंगी पहनने में कंफर्ट आता है, लुंगी पहन का प्लान दिखाओगे, इसका मतलब ये भी नहीं है। अच्छा किस में लगते हो? एक इंसान सबसे अच्छा जिस दिन दूल्हा बनता है कोट पैंट में जाता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है, उस दिन उनको भी उसको भी अच्छा लगता है खुद, हाँ यार आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो ड्रेस कोड में जाओ। आप प्लान दिखाने जब जाते हो
जूतों को चेक करो, प्लान दिखाने जब आप जाते हो अपने सॉक्स को चेक करो, जुराबों को चेक करो, प्लान दिखाने जब जाते हो अपने बैग में देखो पेन है नहीं है, प्लान दिखाने जब जाते हो अपने हाथ में चेक करो घड़ी बांध रखी नहीं है, अपने प्लान जब आप दिखाने जाते हो अपने बैग में चेक करिए प्लान फोल्डर है नहीं है, प्लान दिखाने जब जाते हो जब चेक करिए कि डायरी आपके पास है या नहीं है, प्लान दिखाने जब जाते हो जब सामने वाला फोटो देगा फोटो को चिपकाने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं है, स्टेपलर से फोटो नहीं चिपकाना है कभी भी, एक गोंद आती है उससे है ना उससे फोटो चिपकाया जाता है। आप क्या चेक करिए कि आपके बैग में 5 टूल्स किट है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको लगता है कि हाँ सब कुछ चीजें हैं, फिर आप उसके बाद प्लान दिखाने के लिए आप जाइए। जब आप बाबूजी लगोगे, स्मार्ट लगोगे, बढ़िया तरीके से आप जाओगे, फिर देखिए जब सामने वाले के सामने जब आप जाके बैठोगे ना, आपने ब्लैक कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स एंड या व्हाइट सॉक्स, और आपके हाथ में घड़ी होगी, जेब में यहाँ पर पेन लगा होगा, बढ़िया आपके बाल कट रहे होंगे, बढ़िया शेविंग वेविंग, बढ़िया, बिना प्लान दिखाए बोल रहा हूँ मैं आपको, 50% आपका बिजनेस आ गया मान लो, अगर आप बढ़िया लग रहे हो तो। वहां पर कुछ बातों का ध्यान देना है, प्लान दिखाते समय किन बातों का ध्यान दें, प्लान दिखाते समय आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात जब प्लान आप दिखा रहे हो सबसे पहले चेक करें कि उसके फैमिली मेंबर में कितने मेंबर हैं, उसके फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 लोगों को बैठाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो डिपेंड है इंडिपेंडेंट है, 5 फैमिली मेंबर को बैठाइए, 5 फैमिली मेंबर को आपने बैठा दिया, बैठाने के बाद आप जब सामने वाले के घर जाते हो तो क्या होता है, मैं आपको चीज बता रहा कुछ बातों को आप ध्यान रखें, जब आप सामने वाले के वहां प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो कोशिश करें कि अपने जूते है ना उसके गेट पे ही वहां उतारे, अगर वो सामने वाला बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब आ जाइए, भैया आ जाइए, या आपका रिलेटिव बोलता है आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जूते पहन के अंदर जा सकते हो, नहीं तो आप कोशिश ये करें जूते आप बाहर ही उतारे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत दूर से जाते हैं प्लान करने के लिए, बाइक पर जाते हैं, बस में जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, और उसकी मैडम ने भी पोछा लगाया और हम जूते से अंदर घुस गए और मैडम ने देख लिया जूते की मेहनत पे आपने ना पानी फेर दिया पूरा, मैडम अभी जूते अभी पोछा लगा के गई थी और आपने जूतों के जो आपने पैर थे जूते थे जूतों के निशान आपने डाल दिए और आपके जूतों में मिट्टी लगी हुई थी, गोबर लगे हुए थे और उसके घर में वो चिपक गए, क्या वो मैडम ज्वाइनिंग देगी, क्या वो मैडम अपने हस्बैंड को ज्वाइनिंग देने देगी, वो बोलेगी हाँ ज्वाइनिंग दे दो जी, बोलेगी वो पेमेंट दे दो जी, नहीं बोलेगी मना कर दो, मना कर दो, क्योंकि आपने उसके घर में जूते छाप दिए, याद रखें, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जूते हमेशा बाहर उतारे। दूसरा, जब भी आप सामने वाले के वहां जाते हो और सामने वाला क्या होता है वो पानी लेके आएगा, पानी लेके आएगा, पानी जब आप अपने हाथ में लेते हो तो पानी आपको पता है कैसे पीना है, पानी पीते समय भी कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, पानी पीते समय हमेशा ध्यान दे, पानी आपको एक गिलास ला के दिया किसी ने और आपने गिलास ऐसे लगाया, ऐसे नहीं कि गिलास पूरा खत्म करके आपको गिलास रखना है, नहीं, पानी आपके हाथ में आया एक घूंट पानी पिया फिर आपने रख दिया, एक दो घूट बाद में पिए फिर आपने रख दिया, एक दो घूट आपने पानी पिया थोड़ी देर बाद फिर आपने रख दिया, सिस्टमेटिक। अब बिजनेस में है ना यार, प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, पानी पीते गवारों की तरह नहीं, पानी हाथ में आया बुड़ बुड़ बुड़, आधा पानी इधर से निकल रहा है, आधा पानी इधर से निकल रहा है, इधर जो कोट पैंट पहन रखा था इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बोल रहे हैं हम बिजनेस कर देने के लिए आपको आए हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान दें, पानी पी रहे हो ना तो पानी की एक छींट भी आपके कपड़ों पर नहीं आनी चाहिए, पानी आपके इधर उधर नहीं निकलना चाहिए, आराम आराम से पानी पीजिए। दूसरा, भाई साहब आपका कोई भी रिलेटिव है, मामा चाचा, कोई भी दोस्त है, कुछ भी है, कैसी भी है, आप अपनी डाउनलाइन के साथ प्लान दिखाने के लिए हो, कहीं भी आप गए हो, वो सामने वाला आपसे बोलेगा, पक्का बोलेगा कि भाई साहब चाय, आप जब उसने बोला कि भाई साहब चाय पियोगे तो आपको पहले एक बार मना करनी है, जब भी सामने वाला बोलता है चाय लोगे, दूध लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, कुछ भी आप जो वो बोलता है पीने के लिए, दारू वारू के लिए नहीं बोलेगा, बियर वियर के लिए नहीं बोलेगा, याद रखें, ठीक है ना, कभी आप खुश हो रहे हो, आपको वो बोलेगा चाय के लिए, दूध के लिए, गांव में जाओगे दूध के लिए बोलेगा, शहर में जाओगे चाय के लिए बोलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको कॉफी के लिए बोल सकता है, जूस के लिए बोल सकता है, कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल सकता है, तो पहले एक बार आप मना करें, ऐसा नहीं उसने बोला चाय पियोगे, हाँ जी हाँ क्यों नहीं पियेंगे, हम तो तैयार, हम तो चाय पीने के शौकीन है, ऐसा नहीं बोल रहे, याद रखें, सिंपल सी बात, मना करें, सर नहीं अभी मैं पी के आया, अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी, फिर वो बोले नहीं नहीं पी लीजिए, तो आपको क्या बोलना, आप मना नहीं करनी, याद रखें, आप मना नहीं करनी है, क्या हम दोबारा हम बार बार मना करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आदमी हो सकता है किसी और के घर की चाय ना पीता हो, किसी और के घर में कुछ जाके नहीं खाता हो पीता हो, तो आप उससे बोले, रिक्वेस्ट करें, ठीक है सर
मैं पी लूंगा, पक्का पीऊंगा, आप भी मेरे साथ पियोगे तो मैं भी पक्का पीऊंगा, लेकिन आधा कप। और आपको एक बात मालूम है, जब आप आधा कप बोलते हो ना तो सामने वाला आधा कप नहीं लाता, पूरा कप ही लेके आता है। ये बात भी याद रखना, चाय कभी आधा कप नहीं आती है, पूरा कप ही आती है। चाय आएगी आपके सामने, वो बिस्कुट नमकीन भी लेके आएगा, पक्का आता है। बिस्कुट भी आते हैं, नमकीन भी आते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है बिस्कुट नमकीन नहीं है तो खाली चाय भी लेके आता है, लेकिन बिस्कुट नमकीन भी आपके सामने आ जाती है, चाय आ जाती है आपके सामने। अभी प्लान नहीं चल रहा है, अभी आपके साथ सिर्फ वैसी है प्लान दिखा, चाय वाय पीते पीते आपको क्या फायदा मिलता है, चाय पीने का फायदा बताऊंगा मैं आपको। चाय पीते समय आप क्या बात का फायदा है, चाय पीते समय आपको प्लान नहीं दिखाना है, याद रखें। चाय पीते समय आपको कभी भी प्लान नहीं दिखाना है। चाय पीते समय आपको क्या करना है, चाय पीते समय उसके बारे में जानना है कि वो क्या करता है, कहाँ जॉब करता है, क्या सैलरी मिलती है, बच्चे कितने हैं, परिवार में कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, किस टाइम जॉब पे जाते हो, किस टाइम आते हो, कब से जॉब कर रहे हो। चाय पीते पीते समय ये बातें करनी है, चाय पीते पीते उसको आपको पहचानना है कि इसके पास समय की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, इसके सामने समस्या क्या है। जो समस्या आपको निकल के आती है, मतलब आपको ऐसा लगता है 7 बजे जाता, रात को 10 बजे आता है, मतलब इसको समय की समस्या है। आपको पता है कि नौकरी भी करता है, उसके पास पैसे सही नहीं आ रहे, तो इसको पैसे की समस्या है। तो उसकी समस्या को पकड़िए, उससे पूछिए, आप बातों बातों में पूछिए, चाय पीते पीते पूछिए कि भाई साहब आपके बच्चे कितने, उसने बोला 2 बच्चे हैं, अच्छा भाई साहब कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कि जी यहीं पर पढ़ते हैं, भाई साहब कैसे स्कूल, छोटा स्कूल, अच्छा स्कूल है, वो बोलता है नॉर्मल सा स्कूल है। तो आप समझिए कि वो चाहता है अपने बच्चों को बड़ा स्कूल में पढ़ाना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ध्यान से ये पॉइंट पकड़ने वाले होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो पकड़ने वाले पॉइंट होते हैं। आप उससे पूछिए, भाई साहब आप बच्चों को क्या, बड़े होकर क्या बनाना चाहते हो, वो एक ही बात बोलेगा, डॉक्टर, टीचर, जो भी बनाना चाहता है। वो आपसे एक बात भी बोल सकता है, अरे सर जो बच्चों की किस्मत में होगा। तो आपको सवाल क्या करना है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बच्चों की किस्मत में होगा होगा वही, लेकिन फिर भी मैं आपसे चीज जानना चाहता हूँ कि आपका भी तो कोई ड्रीम होगा ना अपने बच्चों के लिए, आपका भी तो कोई ना कोई ड्रीम होगा ना अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तो बोलेगा डॉक्टर, टीचर, फिर आप समझ जाइए, फिर आप बोलिए कि भाई साहब डॉक्टर बनाने में आज की डेट में ही बहुत पैसा लगता है, ठीक है, एडमिशन कराने में डोनेशन जाते हैं तो बहुत आज भी पैसा लगता है, तो आने वाले समय में भी बच्चे तो आपके, जैसा आपने बताया कि अभी बच्चे तो आपके बहुत छोटे छोटे हैं, आने वाले समय में तो बच्चे जब 20 साल 30 साल 25 साल के हो जाएंगे, जब तो पता नहीं सर कितना पैसा लगेगा, तो सर कैसे कैसे होगा आने वाले समय, कुछ प्लानिंग है आपकी लाइफ की। तो बात बोलेगा, अरे नहीं, जो दे होगा देखा जाएगा। समझ जाइए कि इसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, पैसों पे बात करनी है। हम संवाद समझिए, चाय पीते पीते बात करिए, चाय पीते पीते कुछ बातों का ध्यान दीजिए। जब चाय आपके सामने आई, आपने चाय का कप उठाया, चाय का कप उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर गंदी आदत होती है, जैसे चाय लेते हैं ना तो चाय में से आवाज आती है पीते पीते, ऐसे बहुत तेज आवाज करते हैं चाय पीते पीते, जो कोई सो भी रहा होगा ना वो भी जग जाता है। तो चाय पीते समय मुंह से आवाज ना आए, आवाज याद रखें, जब भी आप चाय पीते हो मुंह से आवाज बिल्कुल भी ना आए, याद रखें। ये जो होते हैं ना, ये अनप्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके चाय पीते पीते आवाज आती है, चाय पीते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं आए, याद रखें। दूसरा, आप सामने वाले के घर जाते हैं, सामने वाला बिस्कुट लेके आता है, नमकीन लेके आता है, और जब भी बिस्कुट या नमकीन आपके सामने आता है तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ दोस्त, बिस्कुट नमकीन आने के साथ आप ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 बिस्कुट या 2 बिस्कुट खाएं बस, ज्यादा नहीं। वो मैं बोल रहा हूँ आपके फेवरेट बिस्किट है, जो आपकी फेवरेट कंपनी है उसके वो फेवरेट बिस्कुट है, लेकिन फिर भी आप 1 बिस्किट या 2 बिस्किट से ज्यादा ना खाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बिस्किट आए, सारे बिस्किट आए, एक गपा गप गपा गप गपा गप, वहां उसके बच्चे बैठे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अरे अंकल जी बिस्कुट हमें भी देंगे, और अंकल जी भाई साहब इतने भूखे थे कि अंकल जी ने क्या किया, सारे बिस्कुट गपा गप गपा गप गपा गप ले गए, सारे ने खा गए, और डकार भी नहीं ले रहे हैं अंकल जी। ध्यान दें, बच्चे जो सामने बैठे हैं, अगर उसके 2 बच्चे बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उनको भी पूछिए, बच्चों को अपने हाथ से बिस्कुट दीजिए। प्रोफेशनल बात करनी है, प्रोफेशनल लोग हैं हम, कोई गवार नहीं है हम लोग कि जा रहे हैं और सारे बिस्कुट उठाए और एक क्रीम मिली और क्रीम वाला उठाया और एक क्रीम ऐसे करी, ऐसे नहीं करना है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एक गंदी गंदी हरकतें करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान दें, सामने वाले नमकीन लाई, नमकीन कोई रखी है उसके वहां, तो नमकीन आपने चम्मच ली, चम्मच में थोड़ी सी चम्मच ऐसे लेके नमकीन हाथ पे ऐसे रख के ऐसे नमकीन खानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
नमकीन प्लेट में होती है, ऐसे हाथ भरते हैं और नमकीन को ऐसे प्लेट में से उठाते हैं और ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है दोस्त, बहुत सारे लोग गलती करते हैं और सामने वाला देखता है, नोटिस करता है वो माम को कि मैं अपनी जिंदगी किस आदमी के साथ लगा रहा हूं, मैं उसके साथ लगा रहा हूं जो चाय पीते पीते सुर सुर की आवाज कर रहा है, उसके साथ मैं उसके साथ अपना भविष्य लगाऊं जो बिस्कुट सारे खा गया, मैं उसके साथ लगाऊं अपना भविष्य नमकीन को ऐसे करके खा रहा है, उसके साथ भविष्य लगाएंगे दोस्त। सामने वाला आपको 14,000 नहीं देगा, 12,000 नहीं देगा, सामने वाला अपनी जिंदगी आपको दे रहा है, अपना अपना करियर आपको दे रहा है। ध्यान देने बातों पर, थोड़ी एक चम्मच या दो चम्मच नमकीन लेनी है, एक या दो बिस्कुट लेना है, चाय पीनी और बात खत्म। समोसे मोमोसे आ गए, मिठाई विठाई आ गई, बर्फी वर्फी भी आ गई, तो भी एक मिठाई उठानी है, एक समोसा उठाना है बस। ऐसा नहीं कि भाई साहब सुबह से खाना नहीं खाया, चार समोसे आ गए और चार समोसे को चटनी में मिला मिला के और हाथ में पकड़ के, चम्मच में भी नहीं, हाथ से चम्मच वो चटनी उठाई, चटनी डाली और हाथ से ही ऐसे कर करके और भाई साहब ऐसे खा रहे हैं, ज्वाइनिंग आएगी वहां? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहां पर ज्वाइनिंग आएगी क्या? ज्वाइनिंग मिलेगी आपको? इस बार तो आपको चाय भी मिल गई है, अगली बार चाय पिलाने के लिए गेट नहीं खुलेगा, याद रखें इन बातों का ध्यान दें। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बात है, इनसे आपका बिजनेस में रिजल्ट अच्छा आता है, और आपने ये नहीं किया ना तो आपको बिजनेस में रिजल्ट नहीं आएगा, इन बातों का आप ध्यान दें। छोटी छोटी बातें होती हैं वैसे है। क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, इसी में ध्यान देना। सौदा प्लान में हमें और किन बातों का ध्यान रखना है? सौदा प्लान करते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है, उस बात का नाम है, जब भी आप किसी के घर में जाते हो तो उसके घर की, उसके बच्चों की तारीफ करें, घर की और बच्चे की, उसकी बीवी की नहीं, याद रखें बात बता रहा हूँ कुछ मैं आपको, उसके घर की और उसके बच्चों की तारीफ करें। मतलब आप उसके घर में गए और आपने उसके बच्चों को देखा, बच्चों से आप थोड़ी सी बात करिए, माहौल बनाइए, बच्चों से आपने बात करी और बच्चों कैसे हो, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे एक रिलेशन बढ़ाओ बच्चों से भी, बच्चों को भी अच्छा रखना चाहिए आपके साथ बात करके। आपने वहाँ बच्चों से बात करी, आपने वहाँ बच्चों से बात कर रहे हो, आपने उनसे बोला, भाई साहब से बोला, भाई साहब आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वहाँ भाभी बैठी थी, जो भी आपके रिश्तेदार बैठे थे, जो भी था, उनसे बोला कि बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके, तो उनको भी अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसा नहीं कि बच्चों को इधर से नाक बह रही है, इधर से भी नाक बह रही है, और इधर से रात की साई लगी हुई है, और आप फिर बोल रहे हो भाई साहब आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बुरा मान जाएगा इस बात का। तारीफ भी है ना, देख के करनी है, ऐसा नहीं कि तारीफ आपने ऐसे ही बस हवा में तारीफ कर देते हो, तारीफ देख के करनी है। बच्चे अगर साफ शुद्ध लग रहे हैं, नहा धो के बच्चे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो तारीफ करिए, वरना तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के घर में गए, घर उसका वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब गंदगी पड़ी हुई घर में, और बोल रहे हो भाई साहब आपका घर बहुत अच्छा है, उसको लगेगा कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा भी नहीं बोलना। जब आप सामने वाले का घर साफ शुद्ध है, झाड़ू वाड़ू लगी हुई है, पोछा वोछा लगा हुआ है, और आप उससे बोल रहे हो कि भाई साहब आपका घर बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, तारीफ करिए। मैडम चाय बना के लेके आती है उसकी, और आपने चाय पी, चाय आपको अच्छी नहीं लग रही है, मैं कह रहा हूँ चाय में वो चीनी डालनी भूल गई, तो भी आपको एक ही बात बोलनी है कि भाभी जी चाय बहुत अच्छी बनाई है, चाय बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद ऐसी चाय पिए, ऐसे बोलना। ये प्लान दिखाते समय जो सावधानी बरतनी होती है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि भाभी चाय बना के लेके आओ, तारीफ आपको आपके प्लान ने बोल दिया कि तारीफ करनी करनी है, और भाई साहब से तारीफ कर दी, भाई साहब भाभी बहुत अच्छी है, तो इस बात का ध्यान दें, भाई साहब की भाभी बहुत अच्छी है ना, वो तो ठीक है, लेकिन आपका वहां पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दें दोस्त इन बातों का हम लोगों को ध्यान देना है, क्या बातें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, ठीक है? क्लियर है? ध्यान दें इन बातों का। आप जिसके भी घर में जाते हो, वो आपसे कितना भी अच्छा रिलेटिव हो, कुछ भी बोले कि जी खाना खा के जाओ, खाना बनवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं, मना करो सामने वाले से कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना खा के जाओ, आपको कितनी भूख लग रही हो सकता है सामने वाले के घर में एक टाइम पे खाना है नहीं है, जो सब्जी आप खाना चाहते हो वो नहीं है, हो सकता है, कोई हर आदमी घर में होता है, बड़े बड़े लोगों के घर में भी ये प्रॉब्लमें आती हैं, तो ध्यान दें इन बातों का भी, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, अपना प्लान दिखाएं। प्लान दिखाते समय और किन बातों का ध्यान रखें? सामने वाले का मोबाइल भी साइलेंस हो, आपका भी साइलेंस हो, जिस व्यक्ति के साथ आप प्लान दिखाने गए हैं उसका मोबाइल वहां साइलेंस हो, जिसके साथ आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं उससे आप कंफर्म करिए कि हम जिनको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं
ये आपका कौन लगता है, ये आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, और जिसके साथ आप प्लान दिखाने जाते हैं उस लीडर से आप एक बात बोलिए कि मेरा काम है प्लान दिखाना, मैं अपना 100% यहाँ पर दूंगा, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन दोस्त आपका काम ये है, आपका काम है लास्ट में इनसे एक ही बात बोलनी है कि मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, साला, दोस्त, जो भी आपका लगता है, आपको इनसे एक ही बात बोलनी है कि आप ज्वाइन करिए, मैं आपके साथ हूँ, मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे और हम इतिहास लिख के दिखाएंगे। और जैसे ही आपके लीडर ने, जिस डाउनलाइन के साथ आप गए थे, उसने जैसे ये शब्द बोले, आपकी ज्वाइनिंग दोस्त वहां पर 100% आ जाएगी। आपने प्लान बेकार दिखाया या अच्छा दिखाया, अच्छा प्लान दिखाने से, बेकार प्लान दिखाने से अगर ज्वाइनिंग आ रही होती तो जिस पे बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता है ना, तो 10 में से 10 लोगों की ज्वाइनिंग निकाल लेता। तो अच्छा प्लान दिखाने से, बेकार प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग का कोई लेना देना नहीं होता। ज्वाइनिंग का लेना देना होता है कि आप किस तरह से वहां पर बात कर रहे हो, आप किस तरह से सामने वाले को समझा रहे हो, बात खत्म। आप सामने वाले को क्या भरोसा दे रहे हो, सामने वाला आपको पैसे देगा भरोसे के साथ, प्लान को देख के नहीं देगा, आपको वो जानता है, उसको आपकी बातों पर भरोसा हो रहा है तो वो आपको पैसे देगा। अगर अच्छा प्लानर हो, आप अच्छे से अच्छे प्लानर हो, आप दुनिया में सबसे अच्छा प्लान दिखाना जानते हो, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप दुनिया में जाइए और आप कितने भी अच्छे से अच्छे प्लानर हो, आप सब कुछ प्लान दिखाइए, बेकार वाला ड्रेस कोड पहनिए और सामने वाले को भरोसा मत दीजिए और उल्टी सीधी वहां जाकर चाय पीजिए और उसकी तारीफ मत करिए, उल्टे सारे नमकीन बिस्कुट खा जाइए, सारे समोसे मिठाई खा जाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। आप कितने भी अच्छे प्लानर हो, प्लान दिखाते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट, FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग FIM की जाती है जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद उसको 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर उसकी FIM करना कंपलसरी होता है। FIM की क्यों जाती है? FIM करनी इसलिए पड़ती है दोस्त कि जब हम अपने घर में एक नया पौधा लगाते हैं, नए पौधे लगाने के बाद हम उसमें पानी भी टाइम से डालते हैं, खाद भी टाइम से डालते हैं, हम उसकी देखरेख ज्यादा करते हैं। नया व्यक्ति जो होता है वो एज एक पौधे की तरह होता है, वो जो पौधा होता है उसकी हमें देखरेख ज्यादा करनी होती है, उसको हमें ज्यादातर समझाना पड़ता है क्योंकि वो नया है, उसको नहीं मालूम क्या सही और क्या गलत है। जब वो ज्वाइन कर लेता है, करता है, जब वो प्लान देखता है उसका एटीट्यूड कुछ और होता है, जब हम उसका फॉलोअप करते हैं तो उसका एटीट्यूड कुछ और होता है, जब वो जेब से पैसे निकालता है तो उसका एटीट्यूड कुछ और होता है, और जैसे ही वो ज्वाइन कर लेता है तो उसका एटीट्यूड कुछ और होता है। जब वो ज्वाइन करने के बाद उसका एटीट्यूड आपके तरीके का होता है, आपके जैसा वो सोचना स्टार्ट कर देता है, आपकी बातें वो मानना स्टार्ट कर देता है। जब आप FIM करने जाते हो आपको क्या करना है, FIM करते समय आपको अपनी पूरी कंपनी के बारे में दोबारा बताना है, आपको अपने अपलाइनों के बारे में बताना है, अपलाइनों की इनकम के बारे में बताना है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं आपको बताऊंगा कि जब आप सामने वाले को प्लान दिखाते हैं तो आप हमेशा, जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाते समय एक बात को आप ध्यान दें, मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर कोई कम एज का है, जिस आदमी को आप प्लान दिखा रहे हैं कम एज का है, तो कम एज का कोई लीडर है तो उसके बारे में बताएं, मतलब कि सामने वाले की एज 25 साल है तो आप ये बोल सकते हो हमारी कंपनी में अनुज सर हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं और उन्होंने कम उम्र के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट ले दिया। सामने वाला आपको लगा सामने वाला फौजी है तो आप बोल सकते हैं सुनील यादव जी हैं, शिव कुमार सर हैं, महिपाल सर हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया। सामने वाला आपको लगता है टीचर है तो टीचर के बारे में आप बोल सकते हैं संजय सर हैं, ठीक है, संजय सर ने इतना पैसा कमाया, विनोद सर हैं उन्होंने इतना पैसा कमाया, हरीश सर हैं उन्होंने इतना पैसा कमाया, टीचर है। आपको लगता है बुजुर्ग आदमी है, ज्यादा बुजुर्ग है तो हमारे मदन साहब उनके बारे में बता सकते हैं। आपको लगता है कोई मुस्लिम आदमी है और आपको लग रहा है समझ नहीं पा रहा है तो नसीब खान जी के बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। आपको लगता है कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है तो आप बिजेंद्र जी के बारे में बता दीजिए, सत्य प्रकाश जी के बारे में बता दीजिए, कैसाराम जी के बारे में बता दीजिए, शंकर जी के बारे में बता दीजिए। आपको लगता है कोई यंगस्टर है, मौज मस्ती करता है, ठीक है, बिल्कुल झोला झाल है, मतलब उसको अपनी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है, मस्त रहता है, तो हमारे ऐसे भी लीडर जो मस्ती में मस्त रहते हैं, आग लगो बस्ती में आप खुद के रहते हैं मस्ती में, तो ऐसे कपिल मदन जी के बारे में बता दीजिए। आप कोई आदमी हेड कांस्टेबल है, ठीक है, पुलिस में जॉब करता है, कहीं भी जॉब करता है, जगदीश जी के बारे में बता दीजिए,
ठीक है, कोई आदमी ऐसा लगता है इंजीनियर है तो आप चमन जी के बारे में बता दीजिए, कोई आदमी ऐसा लगता है जो बच्चों को पढ़ाता था हरमजीत जी के बारे में बता दीजिए, कोई आदमी आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ही गरीब था उसके घर में खाने को पैसे नहीं थे तो जयवीर जी के बारे में बता दीजिए, कोई आपको ऐसा लगता है हाउस वाइफ है तो हमारी टीम में बहुत सारी लेडीज हैं उनके बारे में आप बता दीजिए, एक आपको लगता है कोई MBBS का लड़का है तो अमित दुबे जी के बारे में बता दीजिए, कोई आपको ऐसा लगता है कि फौज में जॉब कर रहा है फौज की जॉब हमारे जोगिंदर सेन जी हैं, कोई आपको लगता है हरियाणा का है कुलदीप मुदगिल जी उनके बारे में बता दीजिए। कहने का मतलब ये है जब आप प्लान दिखाते हो तो आप किसी के बारे में भी आइडेंटिफाई करके आप किसी को भी बता सकते हो, किसी के बारे में गलत सलत बिल्कुल ना बताएं, बिल्कुल सच बातें बताएं, जो उनके पास जो अचीवमेंट है जो उन्होंने लिया है वही बातें उनके बारे में आप बताइए और उनको वहां पर मोटिवेट करिए। ठीक है, आप कोल लाइन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, अमित दुबे जी के बारे में बता सकते हैं, भंडारी जी के बारे में, जगवारे राजेंद्र कौर जी उनके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, हम किसी के बारे में भी बता के हमारा मेन पर्पज क्या है, सामने वाले को मोटिवेट करना है, सामने वाले को समझाना है, किसी के बारे में भी आप बता सकते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला लीडर बहुत बड़ा लीडर है, किसी कंपनी का बहुत बड़ा लीडर है तो आप राम गोपाल जी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, आप सुधीर जी के बारे में बता सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये लीडर जो है बस चलाता है या ट्रक चलाता है गाड़ी चलाता है तो आप सुशील मलिक जी के बारे में बता सकते हो, आपको ऐसा लगता है ये हाउस वाइफ है तो दिल्ली में यहाँ कानपुर में राधा मैडम है आप उनके बारे में बता सकते हो, दिल्ली में रूपम मैडम है आप उनके बारे में बता सकते हो, तो बहुत सारे लीडर है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी राजस्थान का है तो विक्रम जी हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे लीडर है, धंधा लीडर है उनके बारे में आप बता सकते हो, हमारे अपलाइन ग्रेट लीडर मिस्टर संदीप जी हैं आप उनके बारे में बता सकते हो, हमारे दिल्ली के अंदर एक ऐसे लीडर है कुमार मंगलम जी जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं आप उनके बारे में बता सकते हो। कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है जब भी आप प्लान दिखाते हो सामने वाला आपको जैसा लगता है आप उसको उस आदमी के साथ बात करके आप समझाइए, ऐसा नहीं है कि एक आदमी की उम्र 40 साल है आप उसको बोल रहे हो अरे हमारी कंपनी में 25 साल के अनुज सर हैं उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, वो चिढ़ जाएगा वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो चिढ़ जाएगा उसका वो समझेगा कि यार मैंने तो 40 की उम्र में कुछ नहीं किया वो 25 साल की उम्र में कर गया, उसको अपने अंदर कमजोरी समझ नजर आएगी। तो 40 साल के को 40 साल से जोड़िए, 20 साल के को 20 साल से जोड़िए, 50 साल के को 50 साल से जोड़िए, डॉक्टर को डॉक्टर से जोड़िए, टीचर को टीचर से जोड़िए, ठीक है, ड्राइवर को ड्राइवर से जोड़िए, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ से जोड़िए, जो जैसा है उसको वैसा जोड़िए, आपको रिजल्ट 100% आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। और किसी को ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे से कॉल पर बात कर ले, होगा 100% होगा। और मैं बात कर रहा था FIM की, FIM में भी आप ये सारी चीजों को जोड़िए, सारी चीजों को जोड़िए, जो जैसा है उसके बारे में बताइए, FIM करते हैं कंपनी का बारे में बताइए, कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपलाइनों के बारे में बताइए, कंपनी का प्लान, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट प्लान दोबारा फिर से बताइए, रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए, सारी बातों को आप समझाइए, रिपीट करके बताइए फिर दोबारा, एक बार में प्लान समझ में नहीं आया रिपीट करिए, और वहीं बैठ के उसकी लिस्ट बनवाइए, वहीं बैठ के जैसे मैंने आपको इन्विटेशन करना सिखाया वहीं बैठ के उसका इन्विटेशन करिए, उसको ट्रेनिंग के बारे में बताइए, उसको सेमिनार के बारे में बताइए, उसको बताइए सर हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, हमारी ट्रेनिंग एवरी फ्राइडे एवरी थर्सडे को एट स्टेप ट्रेनिंग होती है, हमारे ग्रेट अपलाइन आते हैं वो हम पर ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग में आप आओगे सर तीन लोगों की टीम बनाइए सर, जब तक तीन लोगों की टीम बना लोगे तो आपका भी सम्मान और आपके पेरेंट्स का, आपकी वाइफ का, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उन सभी का सम्मान वहां पर कराया जाएगा। FIM में आपको ये सारी चीजें बतानी है, FIM में ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बिजनेस के बारे में बताइए, प्लान के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए। कहने का मतलब ये है उसका विजन क्लियर करिए, उसके ड्रीम बनवाइए कि सर आप डायमंड कब तक बनना चाहते हैं, कंपनी का उस समय पर कोई टारगेट चल रहा है उस टारगेट के बारे में बताइए, टारगेट कैसे जीतना है, मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे टारगेट जीतने के क्या फायदे हैं उनको सुनिए, उनको वहां जाके बताइए, बहुत बड़ा काम होगा दोस्त, मैं चैलेंज कर सकता हूं, लिस्ट इन्विटेशन फॉर द प्लान FIM इससे आसान आपको मार्केट में कोई नहीं बता सकता, जो आसान हमने आज आपको बताया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें, इन्विटेशन करते समय ध्यान रखें, प्लान करते समय ध्यान रखें, FIM करते समय ध्यान रखें, इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान दें और मन लगा के काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपके सारे अपलाइन आपके साथ हैं, आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दमदार हैं, बहुत समझदार हैं, आप सारे लोग बहुत आगे तक जाएंगे। क्यों आगे तक जाएंगे? क्योंकि संगत का असर होता है, हमारी कंपनी MD बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी के टॉप लीडर बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सर हमारे गुरु हमारे मेंटर हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन शिव कुमार सर बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी अपलाइन सारे बहुत अच्छे हैं, आपके जितने भी अपलाइन सारे बहुत अच्छे हैं, हमारी जितनी भी कोर टीम सारे बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया के अगर
सबसे अच्छे लोगों का नाम लिया जाए, इस दुनिया के सबसे अच्छे लोगों का एक ही जगह है, वो है एस्लीपियस। सारे लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं। और दोस्त, कोई अच्छा है या बुरा है वो हमारा नजरिया डिसाइड करता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप इस नजरिए से अच्छे को अच्छा देखोगे तो अच्छा लगेगा, इस नजरिए से अच्छे को बुरा देखोगे तो बुरा हो जाएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी जिंदगी में होगा। आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे जाओगे दोस्त। और मैं आपको फिर वही बात बोलना चाहता हूँ, आप सिस्टोमेटिक काम करिए, मन लगा के काम करिए। आपके जो सपने हैं हम वो सारे सपने मिलके पूरा करेंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम उन लोगों के सामने आती है जो प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सकते। हम प्रॉब्लम का सामना भी कर सकते हैं। हम लोग मिलके इतिहास लिखेंगे, और ऐसा इतिहास लिखेंगे कि हम जैसा इतिहास आज नहीं, साल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 100 साल बाद नहीं, 1000 साल बाद भी बात बोली जाएगी कि एस्लीपियस कंपनी और एस्लीपियस के जैसे लीडर, एस्लीपियस के जैसे अचीवर दुनिया में कहीं और नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग बहुत आगे तक जाने वाले हो। मैं आपको फिर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज बैठ के आप लिस्ट बनाइए, इन्विटेशन करिए, ठीक है, प्लान करने की घर में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप FIM करने की प्रैक्टिस करिए। जब भी आप FIM करने जाते हो, FIM आप एमरल्ड एंड एवब से ही कराएं, आप खुद FIM ना करें। FIM लखपति लीडर्स एंड अवब से ही आप FIM कराएं, वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सभी का दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने मुझे लगभग 1.25 घंटे दिए हैं, और आप लगभग बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग को सुना है, 1800 से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग को सुना है। एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप ट्रेनिंग को लाइक कर रहे हैं लाइक करिए। आपका जो भी मैं आपको बताता शुरू में प्रॉब्लम आती है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फिर कल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग फिर एक बार फिर कल मिलने वाले हैं, और कल का भी बेस्ट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक वही है जो आप लोग मेरे को बताते हो। और फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, घर में रहिए, मन लगा के काम करिए। थोड़े समय की बात है, थोड़े समय बाद हम फील्ड में निकलेंगे। जो आज तक हमने रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं वो सारे रिकॉर्ड एक तरफ, और आने वाले कुछ दिनों के रिकॉर्ड एक तरफ होंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। अपने अपलाइन को अपना भगवान मानिए, अपना गुरु मानिए, मेंटर मानिए, कि जैसे जैसे लोग आपसे बोलते हैं ऐसे ऐसे करिए। इन लोगों की जब भी लाइव ट्रेनिंग होती है, आप अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी फैमिली के साथ बैठिए। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ कि दुनिया के महान लीडर हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप सभी की अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के रोल मॉडल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच।